नमस्कार बच्चों, आज जो है हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो फटाफट चालू करते हैं। सेमीकंडक्टर जो है आपको बहुत मार्क्स गिविंग जो है क्या बोलते हैं चैप्टर है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, तो ध्यान सुनना, बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है। सुनते जाओ, लिखते जाओ और जो है याद करते जाओ, आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीन प्रकार के मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, सब बचपन से जानते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर की नियरली वैलेंस कितनी होती है, 1 और 2 होती है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर जो है उसकी वैलेंसी बेटा 4 होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी है। इंसुलेटर की वैलेंसी 8 होती है, दे आर सेटिस्फाइड। इंसुलेटर की वैलेंसी होती नहीं है, मतलब नीड नहीं होती उनको, तो 8 वैलेंसी उनकी होती है। फील्ड ऑर्बिट्स होती है, लास्ट ऑर्बिट, इसीलिए जो है इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो इंसुलेटर्स हैं, कंडक्ट नहीं करते। मेटालिक कंडक्टर्स में देखो मेटालिक बॉन्डिंग देखी जाती है। कंडक्टर का कोई भी एक लैटिस अगर आपने लिख दिया, लेके बैठ गए आप लोग कंडक्टर का, जनरली मेटल का कोई लैटिस ले लिया आपने, तो उसमें किस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं ये लोग, आपस में मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं, ये याद रखना। और सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी जाती है, और एक क्रिस्टल में इंसुलेटर के आयोनिक बॉन्डिंग यहाँ पर देखी जाती है। तो थ्योरी है, याद रखें, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड इन अ कंडक्टर, है ना। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या होता है मैं अगले वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, अभी बस याद रखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स के जो है ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेपरेट करते हैं सेमीकंडक्टर में, सेपरेट सेपरेट होते हैं, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होते, पास पास ही होते हैं, बट सेपरेट होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इंसुलेटर में एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर होते हैं ये लोग, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स का, है ना। कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब रेजिस्टिविटी कम है, तो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर्स का। तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, और टेम्परेचर अगर हाई कर दो तो रेजिस्टेंस वो घट भी जाता है। सेमीकंडक्टर हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे हाई रहता है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी उसको कुछ नहीं हो सकता। तो सेमीकंडक्टर काम का है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। अब ध्यान से देखो कंडक्टर का जो अल्फा होता है पॉजिटिव होता है। अल्फा क्या है सर, अल्फा का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अल्फा इज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जैसे कि मेटल्स का, कंडक्टर्स का, तो उसका अल्फा पॉजिटिव कहलाता है ना। तो कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए अल्फा इसका नेगेटिव होता है। और इंसुलेटर का अल्फा तो नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव में बड़ी वैल्यू होती है, बहुत गंदी कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब थ्योरी है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी बैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये एनर्जी बैंड, इस तरह का बहुत सारा आपने बहुत बार देखे होंगे बुक्स में, एनर्जी बैंड होता क्या है। एनर्जी बैंड इट्स अ ग्राफ, किसका ग्राफ है सर, एनर्जी का ग्राफ। जैसे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में तुमने एक सिंगल एटम का एनर्जी का जो है डायग्राम देखा होगा, कि भाई बोहर एटम में पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हुआ करती थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग लाइन खींचते थे, उसके बाद दूसरी एनर्जी थी उसकी एक लाइन खींचते थे, उसके बाद कम करते करते ऐसे एनर्जीज जो है निगेटिव में थे, इसलिए ऊपर जाने पे वैल्यू कम हो रही है। इस तरह से जो है आप एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो एक एक लाइन जो है एक एक एनर्जी को रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पाए जाते हैं एक सिंगल हाइड्रोजन एटम में बोहर्स मॉडल के अनुसार, है ना। तो इसलिए एक लाइन बनती है, लाइन 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 रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। लेकिन 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 ये एक सिंगल आइटम के लिए था। जब हम मेटल्स की बात करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे ये पेन है, इसके अंदर एक आइटम थोड़ी है, इट इज अ लैटिस, बहुत सारे करोड़ों आइटम है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं होती, एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ सिंगल आइटम में सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, तो मान लो किसी आइटम में सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उन्होंने बोला ठीक है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन लैटिस में ऐसा नहीं होता है, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जो है लैटिस में ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को समझे, क्यों ऐसा नहीं होता है लैटिस में, तो लैटिस में जो है क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग एटम्स के एक दूसरे के एनर्जी लेवल में ट्रेवल करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं, ठीक है। दैट इज वाई जो है क्या बोलते हैं, एनर्जी के बैंड्स अपने को देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे हम मेटल में बोल सकते हैं, सॉरी एक सिंगल आइटम में बोल सकते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, हम लैटिस में ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। किसी चीज में जो है बहुत सारे आइटम्स हैं इसमें नहीं बोल सकते, उसमें एनर्जी गैप होता है। हम बोल सकते हैं कि सेकंड ऑर्बिट वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट होती नहीं उसमें, तो एनर्जी बैंड्स होते हैं, है ना। सेकंड एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रेंज है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। उस रेंज में कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पजेस कर सकता है एनर्जी की, है ना। इस तरह का बिहेवियर लैटिस में देखा जाता है। तो लैटिस में लाइन नहीं बनती, बॉक्स बनते हैं, है ना। बॉक्स मतलब मान लो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 8,
तो 5 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पूरी रेंज में जो है अपने को एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं बैंड मिलता है ना, यहाँ पे ऑर्बिट्स नहीं मिलते बैंड मिलता है। तो ये सिंपल सा यहाँ पर आपको याद रखना है। अब ये एनर्जी डायग्राम जो है क्या बोलते हैं, इस तरह का एनर्जी डायग्राम ये आप देख सकते हो, VB लिखा है और CB लिखा है। VB स्टैंड फॉर वैलेंस बैंड एंड CB स्टैंड फॉर कंडक्शन बैंड, है ना। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी एनर्जी होती है, मान लो कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो और ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जिनकी भी एनर्जी है, निगेटिव होती है ऑफकोर्स वो, तो जिनकी भी एनर्जी है वो सारे डाल दिए जाएंगे वैलेंस बैंड में, मतलब उनको कैटेगराइज किया जाएगा वैलेंस बैंड में। जैसे आपके स्कूल में मान लो 50 मार्क्स से लेकर 80 मार्क्स तक जितने बच्चे हैं उनको आपने एक जगह बिठा दिया, ठीक है ना, इससे मतलब ये जो है फर्स्ट क्लास के बच्चे सेकंड क्लास के बच्चे हैं ऐसे, दैट इज हाउ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है ना, एनर्जी के रेंज के अनुसार। और जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब निगेटिव में कम, है ना, तो यहाँ पर जो है 5 का मैं अगर निगेटिव में कम मतलब ज़्यादा, समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलूँ -5 और -3, है ना, कौन बड़ा है, -3 बड़ा है बेटा, है ना, इस तरह से ऊपर आप जाओगे तो एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है निगेटिव में, यह हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है निगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में, इस तरह से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे होता नहीं है, एनर्जी ऐसी नहीं होती, बट एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझो। अब देखो जिनकी एनर्जी 8 और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में उनको कह दिया हमने बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, जिनकी 3 और 2 के बीच में उनको बोल दिया कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, इस तरह से एक रेंज डिफाइन होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सर बीच में क्या है, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है क्या जिनकी एनर्जी 5 से 3 तक है, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5 से 3 एनर्जी रखने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस गैप की एनर्जी जो है कहीं नहीं पाई जाती, किसी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पाई जाती, इसका नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। देर आर सर्टन वैल्यूज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट पजेस्ड बाई एनी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लास में आपके अगर 100 बच्चों की क्लास है, मान लो 67 मार्क किसी को नहीं आए, 61 से 67 तक मार्क किसी को नहीं आए, तो देर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास वो हैज द मार्क्स बिटवीन द रेंज 61 to 67, तो वो 61 से 67 मार्क्स का गैप क्या हो गया, उसमें पॉपुलेशन नहीं है, एक भी बच्चे के मार्क नहीं है। उस तरह से फॉरबिडन एनर्जी गैप में जो एनर्जी होती है, जैसे यहाँ पे 5 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास पाई नहीं जाती, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी नहीं रखता, तो इस तरह से फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वैलेंस बैंड है और एक क्या है कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड तो सेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, कंडक्शन बैंड नाम ही है उसका, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी एनर्जी कम है, है ना, निगेटिव में कम है मतलब पॉजिटिव में ज्यादा है, दे आर मोर फ्री, है ना, दैट इज व्हाई दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे टेक पार्ट इन द कंडक्शन। और एट 0 केल्विन टेम्परेचर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, कोई मटेरियल हो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे जो है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास कोई एनर्जी नहीं होती, शांत होते हो, है ना, एनर्जी नहीं होती मतलब दे आर नॉट फ्री, तो वैलेंस बैंड में रहते हैं, कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी होता है, इसलिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। एट सम टेम्परेचर, 0 के अलावा दूसरा कोई भी टेम्परेचर होगा तो कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वैलेंस बैंड से, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकाल के कंडक्शन बैंड में डालना, ये किसका काम है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, दे मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एनर्जी बढ़ने के कारण वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और तब जाके वो कंडक्शन करने के लायक बनते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के सेंट्रल बैंड में, सॉरी कंडक्शन बैंड में आपके चले जाएंगे, ठीक है, तो कंडक्शन कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी जो है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जैसे आपको बोला मैंने, टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करेंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और अगर आपकी कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, दैट इज वाई अल्फा इज निगेटिव, वो डिस्कस हम कर चुके हैं अल्फा निगेटिव क्यों होता है। तो इस तरह से ये सब बातें हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स की, आप याद रखें। अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल जो डायग्राम्स है वो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और इसके क्या बोलते हैं मेटल के, अब ध्यान से रखो मेटल मतलब कंडक्टर के, इंसुलेटर में जो है वैलेंस बैंड होता है कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अच्छा खासा एनर्जी गैप होता है, मतलब किसी वैलेंस बैंड को उड़ी मार के अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है, दैट इज वाई कंडक्शन बैंड लगभग खाली रहता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते ही नहीं है, इसलिए कंडक्शन नहीं कर पाता। सेमीकंडक्टर में ये गैप होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी अगर हमने दे दी अगर ऐसे एलिमेंट्स को जिनका कंडक्शन बैंड डायग्राम इस तरह का है, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसा, तो थोड़ी बहुत एनर्जी लेके थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड्स के इलेक्ट्रॉन जो है उड़ी मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और फिर वो कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंडक्टर है, कंडक्टर में दे आर रेडिली ओवरलैप्ड, कंडक्टर में ऐसे आप सेपरेट कर ही नहीं सकते कि ये वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, दे आर ओवरलैप्ड, उनका रेंज क्या होता है, ओवरलैप होता है, तो इसीलिए जो है क्या बोलते हैं लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, दे आर स्टिल अवेलेबल वैलेंस बैंड, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, दे आर रेडिली बिना टेम्परेचर बढ़ाए ही
वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड के साथ क्या बोलते हैं जंप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, ये कंडक्टर के डायग्राम यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखनी है। ठीक है, तो थ्योरी वाला पोर्शन है, आपको याद रखना है एक एक चीजें। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग चार्ज कैरियर्स के बारे में। चार्ज कैरियर्स क्या होता है? तो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, सॉरी कंडक्टर हो चाहे सेमी कंडक्टर हो, दोनों कुछ एक्सटेंड में जो है क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है? तो इलेक्ट्रिक करंट बहता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज चार्ज कैरियर्स। चार्ज को एक जगह दूसरी जगह ले जाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एंड दैट कंस्टिट्यूट्स अ करंट। तो चार्ज कैरियर्स जो है जनरली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में दो प्रकार के जो है चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, साथ में होल्स भी होते हैं ना। होल्स आर नथिंग बट अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पॉजिटिव चार्ज जैसा, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज नहीं, डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ट्रीटेड लाइक अ होल, उसको हम होल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, वो भी यहां पर कंडक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, ये सेमीकंडक्टर में होता है। तो होल कैसे बनते हैं ध्यान से देखो, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है ना। वैलेंस बैंड का एक इलेक्ट्रॉन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ है सर इलेक्ट्रॉन आपका, वो दिख नहीं रहा हमको। ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, इसको देखो ये ब्लू वाला, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है उड़ी मार के चला गया कंडक्शन बैंड में। ये देखो यहाँ पे पहले ये यहाँ था, ये उड़ी मार के जो है कंडक्शन बैंड में चला गया। कैसे चला गया? थर्मल एनर्जी के कारण हो सकता है या कोई और मीन्स भी हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में डिफिशियंसी बन गई है ब्लू कलर की, एंड दिस डिफिशियंसी इज अ होल, दिस डिफिशियंसी इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये होल कहलाती है ना। क्या कहलाती है? होल। अब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेंगे तो कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट को ही कंडक्शन बोला जाता है। उसी तरह से यहां पर जो होल क्रिएट हुआ है ना, उस होल को भरने के लिए साइड वाला वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, ये जो है इलेक्ट्रॉन इस होल को भरने के लिए आके यहाँ पर बैठ जाता है और यहाँ पे जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन जो इस होल को भरने के लिए आया, उसने अपनी जगह पे जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी, तो ये होल कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर ये होल ट्रांसफर हो गया। पहले होल यहाँ बना था, इस होल को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहीं पे होल बन गया। जो इलेक्ट्रॉन बचाने के लिए आया था वो पीछे होल छोड़ के चला गया। तो इन द सेम वे कि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसी तरह से होल भी देखो आप देख सकते हो, ऐसे मान सकते हो कि होल पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, मतलब होल मूव हुआ है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन उड़ी मारते हैं होल को भरने के लिए, लीविंग बिहाइंड अ होल, और खुद एक होल छोड़ जाते हैं। इस तरह से होल भी ट्रांसफर करता है एक जगह दूसरी जगह, तो होल्स भी ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल करते हैं, और दोनों का मिलकर यहाँ पर करंट बनता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, होल का जो मोबिलिटी है वो बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से, मतलब होल को ट्रैवल करना मुश्किल पड़ जाता है कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से ट्रैवल करते हैं। मोबिलिटी समझते हो आप, मोबिलिटी, मोबिलिटी इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा है, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल्स इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर मोर मोबाइल, ज्यादा मूव कर सकते हो, होल्स आर लेस मोबाइल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। करंट जो बनता है सेमीकंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से अगर 3 एम्पियर करंट आ रहा है और होल के मूवमेंट की वजह से अगर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो दोनों करंट ऐड होते हैं और 4 एम्पियर का टोटल करंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कैसे होता है इसे ध्यान से देखो, मान लो एक कंडक्टर ऐसे, इस कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ऐसे, और कुछ होल्स भी हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारी राइट साइड में अप्लाई हो चुकी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में कौन भागेगा, होल्स जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो करंट भागेगा राइट साइड में, और इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट में भागेंगे, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भागेंगे तो करंट राइट में ही जाएगा, निगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट बैठता है। तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गए करंट राइट में बना, होल्स राइट में गए तो करंट राइट में बना, टोटल करंट राइट में ही है। इसलिए जो है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू होल्स, इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल करंट आता है किसी सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सिंपल सी बात है, याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं। कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, इसको हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थोड़ा बहुत देखा है, याद करो शब्द को कंडक्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी के उल्टा होता है ये, 1/ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। एक और चीज, कंडक्टिविटी क्यों होती है सेमीकंडक्टर की, दो कारण है, होल्स और इलेक्ट्रॉन, दोनों को कंसीडर करना है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, सिग्मा इज इक्वल टू ई, ई मींस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एनी और एनएच ये क्या है, एन स्टैंड्स फॉर, स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोलते हैं। मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, एन, है ना, एन मतलब कॉन्सेंट्रेशन, पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये अपना एन का मतलब है, जो क्वेश्चन में 90% ऑफ द टाइम गिवन होता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ गिवन डेटा। म्यू स्टैंड्स फॉर मोबिलिटी,
म्यू प्रॉपर्टी है, कितना मोबिलिटी है एक चीज की, कितना वो स्थिर है कितना चंचल है, दैट इज द मोबिलिटी, वो भी क्वेश्चन में गिवन होता है। तो फॉर्मूला में ये वैल्यू रखेंगे हम, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अलग है, होल की अलग है। अभी मैंने बताया किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है होल से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट जेई में इसमें क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए आप इसको याद रखें, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो बहुत बार आपने सुना होगा इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप्स हैं। कैसे टाइप्स है सर ये? इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर मतलब एकदम प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, जैसे कि प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया, तो वो सेमीकंडक्टर से उनके बैलेंसी फोर है, तो इनको क्या बोला जाएगा? इंट्रिंजिक बोला जाएगा, उसमें कोई जो है मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कोई इंप्यूरिटी नहीं डाली है, प्योर क्रिस्टल्स आर नोन एज क्या बोलते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। उनकी कंडक्टिविटी वैसे बहुत कम होती है सर, कंडक्टिविटी कम है तो किस फायदे के हैं, है ना, तो ज्यादा कुछ फायदा है नहीं उनका, प्योर होते हैं बस वो, है ना, नाम के लिए प्योर है, काम के लिए कुछ नहीं करते, लाश है साले। तो आप ध्यान से देखो, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल को बोल सकते हैं, ये अनडोप्ड होते हैं। डोप्ड मतलब अन क्या बोल सकते हैं, डोपिंग करना मतलब मॉडिफाई करना, किस चीज को डोप कर दिया मतलब उसके अंदर इंप्यूरिटी डाली ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उसके अंदर कोई भी डोपिंग नहीं हुई है, प्योर है वो, तो अनडोप्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, एन इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई, एन इज इक्वल टू एन एच मतलब एन मतलब क्या है, अभी बताया था कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ सॉरी बेसिकली पॉपुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम और होल्स की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में सेम रहती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें एक मीटर क्यूब में 5 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मानो एटम से 5 करोड़, तो 5 करोड़ एटम्स होंगे, तो उसमें जो है मान लो एटम्स नहीं बोले थे हमें, इलेक्ट्रॉन और होल चाहिए थे, मान लो 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स है एक सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर, एक मीटर क्यूब के अंदर, तो 5 करोड़ होल्स भी होंगे। ऐसा होता है इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने होल उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस संख्या को ही एनआई बोला जाता है। इसको एनआई का नाम है पॉपुलेशन ऑफ इंट्रिंजिक कैरियर्स, इंट्रिंजिक कैरियर पॉपुलेशन इसको बोलते हैं ऐसे। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि एक मीटर क्यूब के अंदर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, 5 करोड़ बोला ना या 5 लाख जो भी बोला था, तो वो 5 लाख जो आंकड़ा है दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, उस आंकड़े को ही एनआई बोलते हैं, सेपरेट सेपरेट ना लिख के, ठीक है ना, उसको ही एनआई बोलते हैं, है ना। तो ये आप याद रखें, नंबर ऑफ इंट्रिंजिक कैरियर्स इसको बोलते हैं। तो बेटा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर दो टाइप्स है, पी टाइप और एन टाइप। दो टाइप्स क्यों है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में? क्योंकि दो प्रकार से जो है डोपिंग हो सकती है। डोपिंग किसकी करनी है? प्योर सेमीकंडक्टर की, मतलब इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग करेंगे मतलब इंप्यूरिटी घुसाएंगे तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो किस तरह की डोपिंग आप करते हो एक इंट्रिंजिक प्योर सेमीकंडक्टर में ताकि उसका एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बन सके, उस प्रकार के अनुसार जो है पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के माल तैयार होते हैं, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स यहां पर तैयार होते हैं। अब आप ध्यान सुनना कि पी टाइप और एन टाइप क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक और चीज, एनी इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये क्या बकवास है? तो जब भी कोई एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनता है तो कौन किससे बनता है? एक प्योर सेमीकंडक्टर का ही हम लोग एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, है ना, तो इंट्रिंजिक का ही एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं। तो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल था, तुम्हारे हाथ में सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन का पेन है मान लो, इसमें डोपिंग करोगे, है ना, और इस डोपिंग के करने के बाद ये क्या बन जाएगा? इंट्रिंजिक से क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंजिक बन जाएगा। तो जब ये इंट्रिंजिक था बेचारा, तब इसमें एनआई की वैल्यू थी, मतलब पॉपुलेशन था होल और इलेक्ट्रॉन का जो इक्वल था वो था मान लो 5 लाख, मान लो ऐसे कि इसमें जो इंट्रिंजिक कैरियर्स कितने हैं, 5 लाख होल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, 5 लाख ही इलेक्ट्रॉन से पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्योर है सिलिकॉन है। अब इसकी तुमने क्या कर दी? डोपिंग कर दी। डोपिंग करने के बाद एक प्रकार की डोपिंग होती है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, एक प्रकार की डोपिंग में होल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो जो भी हो, एक बार डोपिंग कर ली तो एनी जो है आपका होल का एनी जो है इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, एनएच आपका होल का कॉन्सेंट्रेशन हो गया आफ्टर द डोपिंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आफ्टर द डोपिंग, एनी और एनएच, तो पुराना एनआई स्क्वायर के बराबर ही आ जाता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। एनी और एनएच जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर द डोपिंग, मतलब किसके है वो? एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के। और एनआई स्क्वायर जो इक्वल है वो जिससे वो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बना है उस इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर का एनआई हो, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देख ही लेते हैं कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते क्या है। एन टाइप और पी टाइप दोनों एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के प्रकार है। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या पी टाइप दोनों किससे बनते हैं? डोपिंग से बनते हैं। तो अगर डोपिंग की जाए मतलब किसी जो है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर घुसेड़ दिया जाए किसको? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी कौन सी है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आपका एंटीमोनी, बिस्मथ,
इनमें से कोई एटम जो है एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर अगर इसको घुसा दें, अगर इसको क्या कर दें हम उसमें घुसा दें, तो ये क्या बन जाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है, डोनर इंप्यूरिटी है। डोनर क्यों बोला गया? पेंटावेलेंट मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सिलिकॉन के पास और जर्मेनियम प्योर के पास तो 4 ही रहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसलिए इसका नाम क्या है? एन टाइप, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो डोनर इंप्यूरिटी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या रहती है? सेम होती है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, लेस ऑफ द करंट इज ड्यू टू होल मूवमेंट, बट स्टिल टोटल करंट इज सम ऑफ देम। तो इलेक्ट्रॉन की जो पॉपुलेशन है वो होल से क्या हो गई? ज्यादा यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में आपको जो है बहुत कम होल्स दिखेंगे, यहाँ पर 2 ही होल दिखाए मैंने, और कंडक्शन बैंड में भर भर के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है होल से। दैट इज द मीनिंग ऑफ एन टाइप। तो फिर से सुनो, एन टाइप कैसे बनाते हैं? एक प्योर सेमीकंडक्टर उठाओ, सिलिकॉन क्रिस्टल हुए प्योर, उसमें जो है क्या घुसाओ? थोड़े बहुत, ऐसे नहीं कि बहुत सारे ठूस ठूस के भरने हैं ना, बहुत हल्की डोपिंग करते हैं, 1 in a million टाइप्स डोपिंग करते हैं हम लोग। डोपिंग करेंगे किसकी? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी की। इनमें से कोई फॉस्फरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, इनमें से कोई जो है इंप्यूरिटीज हम लोग डालेंगे उस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो क्या बन जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करना है? एक प्योर सेमीकंडक्टर लो, उसमें इंप्यूरिटी डालो। कैसे इंप्यूरिटी डालनी है? इस बार डालनी है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें डाल रहे हो हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर उनके पास 4 है, तो ये एक्सेप्टर का काम करता है ना, इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें ये जा रहा है प्योर सेमीकंडक्टर में उसमें तो 4-4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन ये लेता है ना, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी। इलेक्ट्रॉन लेगा तो सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन गया, दैट इज वाई ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसमें होल्स की संख्या जो होती है क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, तो होल्स आर जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ट्राइवेलेंट कौन से हैं? बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, बोरॉन ट्राइवेलेंट है, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है। इस तरह के इंप्यूरिटीज अगर आप डालोगे प्योर सेमीकंडक्टर में तो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंडक्शन बैंड में 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाएं और वैलेंस बैंड में भर भर के होल दिखाएं, होल की संख्या ज्यादा है किससे? किससे? होल की संख्या ज्यादा है आपकी इलेक्ट्रॉन से, है ना। दैट इज हाउ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर देयर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सिंबल्स ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के 2 प्रकार हैं, पी टाइप एन टाइप हम जान चुके हैं। उनके सिंबल्स जो है किस तरह से जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखो। तो सिंबल्स में क्या है, देखो पी टाइप में क्या है, आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है। पी टाइप में ये व्हाइट कलर का जो है वो क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे, उसमें जाओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लो, जर्मेनियम का क्रिस्टल लो, जिसको हम इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, उसमें पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज डाल दो, तो आपके पास जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, दिस इज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर ये व्हाइट वाला, उसके अंदर मैंने क्या डाला है? ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज डाली है। और ये निगेटिव निगेटिव जो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये येलो में जो निगेटिव है दैट इज योर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। तो ध्यान समझना, ये जो निगेटिव सिंबॉल है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ये निगेटिव सिंबॉल जो है आपको बता रहा है कि दिस इज अ क्या, ये एक्सेप्टर एटम है, मतलब एक ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है। अगर इंप्यूरिटी ट्राइवेलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको एक्सेप्टर एटम भी बोला जाता है। तो इट इज ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी लाइक बोरॉन या फिर क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसकी तरह ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है। तो ध्यान से सुनना, इस पी टाइप के जो सिंबल है इसमें ये व्हाइट कलर का जो चिप्स है, जो बॉर्डर है, दैट इज अ प्योर इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर हमने येलो येलो ये क्या डाले हैं? एक्सेप्टर एटम, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज डाली है। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एक्सेप्टर एटम का सिंबल इस निगेटिव से ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल रहा। सर हर एक एक्सेप्टर एटम के साथ ये प्लस प्लस क्या लिखा है ना, क्या लिखा है प्लस प्लस? तो एक्सेप्टर एटम जैसे ही एंट्री करेगा इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के अंदर, एक्सेप्टर एटम जाने के बाद तैयार क्या करता है? एक होल तैयार करता है। ईच एक्सेप्टर एटम क्रिएट्स अ होल ऑन इट्स एंट्री। जैसे ही अंदर जाएगा होल तैयार करेगा, जैसे ही अंदर जाएगा क्या तैयार करेगा? होल तैयार करेगा। क्योंकि क्यों ऐसे होल तैयार करेगा? ये गया है एक क्या बोलते हैं जिसका वैलेंसी 4 है, ऐसे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये गया है, और उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन जाएंगे, एक नहीं बन पाएगा, दैट इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड विल क्रिएट अ होल। तो ईच क्या बोलते हैं एक्सेप्टर एटम व्हेन एंटर्स इनटू द इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्रिएट्स अ होल। तो हर एक जो है एक्सेप्टर एटम पे मैंने ये आपको दिख रहा है ना, ये जो है होल लगा दिया है ना।
तो पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मेजोरिटी में होल होते हैं। तो होल बहुत सारे दिखाए मैंने और कुछ कुछ मतलब एक दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए। दिस कंप्लीट्स योर सिंबल ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप में आ जाओ, एन टाइप में भी ये व्हाइट कलर का जो बॉर्डर है दैट इज योर इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, चिप से एक अच्छा खासा प्योर मटेरियल। उसके अंदर तुमने ये प्लस प्लस वाले आइटम डाल दिए, इनका नाम क्या है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है, ना डोनर आइटम्स है, इनके वैलेंसी 5 है। तो ये प्लस प्लस जो लिखा है ये कोई आयन नहीं है, दीज आर एटम्स, है ना। कैसे आइटम है ये, है ना, पेंटावेलेंट है, ये पेंटावेलेंट आइटम्स है, ये डोनर इंप्योरिटी है। लाइक फॉस्फरस SB मतलब एंटीमनी, है ना, इस तरह के जो है ये पेंटावेलेंट जो है क्या बोलते हैं इंप्योरिटीज है, प्लस प्लस जो दिखाए। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे ही एंट्री करेगा सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, उसकी वैलेंसी 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ईच एटम ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कम्स विद अ इलेक्ट्रॉन, तो हर एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया है। और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन ही होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और थोड़े बहुत कहीं कहीं आपको होल भी देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द टू सिम्बॉल्स ऑफ योर क्या बोलते हैं पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। अब ध्यान सुनना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डायग्राम में आते। अब ध्यान सुनना कि जो डोनर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और एक्सेप्टर एटम के लेवल को कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है ये ध्यान सुनना, हम जो है जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर डोप्ड सेमीकंडक्टर है, उसके एनर्जी लेवल देख रहे हैं कि डोपिंग के बाद इम्प्योरिटी डालने के बाद एनर्जी लेवल में क्या फर्क होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग डोनर इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो डोनर इम्प्योरिटी जब डालते हैं हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो डोनर का जो एनर्जी लेवल है, डोनर इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल है, वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। कंडक्शन बैंड किसका? प्योर एटम का, है ना, प्योर इलेक्ट्रो प्योर इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटी नाम से डोनर एटम डाल दिया। तो डोनर एटम जब जाएगा तो डोनर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, डोनर एटम का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसका एनर्जी लेवल जो है कंडक्शन बैंड के आसपास होता है। क्यों ऐसे सर? बिकॉज जब भी डोनर एटम एंट्री करता है अंदर, तो तुरंत क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा मतलब वो कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में, है ना। तो कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन ये देने वाला है तो इसकी जो एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड के आसपास ही होनी चाहिए, तभी तो ये कंडक्शन बैंड में एंट्री कर पाएगा। तो जो याद रखना एक चीज, डोनर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो कंडक्शन बैंड के पास होता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास ही होना चाहिए, तभी तो कंडक्शन बैंड में घुस पाएगा, तभी तो वो जो है कंडक्शन कर पाएगा, और इसी पर्पज के लिए उसको डाला है। डोनर एटम को क्यों डाला है? ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना सके। तो ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अप मूव करता है, क्योंकि वो जो है क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड के नीचे थोड़ा पास में होता है, एनर्जी लेवल होता है उसका। तो एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन का जो है कंडक्शन बैंड के पास में होने के कारण तुरंत वो कंडक्शन बैंड में घुस जाता है ऊपर जाके। आगे बढ़ते हैं, ये एन आपका जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, दिस इज योर पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा एनर्जी है, कौन सा एटम होगा? एक्सेप्टर एटम होगा, है ना। एक्सेप्टर एटम मतलब होल। एक्सेप्टर एटम जैसे एंट्री करेगा होल का जन्म होगा, और होल का जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास में होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड में ही बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स और कहीं नहीं बनते, होल्स आर ओनली मेड इन वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं होते, वैलेंस बैंड से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उल्टा नहीं आते वापस। तो होल्स आर ओनली देयर इन क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसीलिए जो है ये होल वाला जो एक्सेप्टर आइटम है उसका एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं वैलेंस बैंड के पास रहता है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फर्मी लेवल के बारे में जानते हैं ना। फर्मी लेवल काफी इंटरेस्टिंग चीज है। फर्मी लेवल जो है वो क्या होता है पहले देख लो। तो फर्मी लेवल क्या है? मैक्सिमम एनर्जी एट 0 केल्विन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो उस इलेक्ट्रॉन की जो है मैक्सिमम एनर्जी एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे सब लोग डेड होते सर, मतलब सारे किस में होंगे, वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, सारे के सारे बेटा होंगे आपके वैलेंस बैंड में 0 केल्विन पे, है ना। कंडक्शन बैंड में हाई टेम्परेचर पे ऊपर जाएंगे, तो वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्मी लेवल बोल सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ टाइम पास है। इट इज लाइक COM। COM मतलब क्या है सर? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जैसा क्यों है ये? सेंटर ऑफ मास जैसा क्यों है? तो जिस तरफ ज्यादा पॉपुलेशन होता है उस तरफ वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हाई एनर्जी लेवल में बहुत सारे लोग हैं और लो एनर्जी लेवल में कम लोग हैं, तो वो हाई एनर्जी के पास जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास जैसे जो हैवी साइड में होता है, उसी तरह से कुछ है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का पॉपुलेशन और होल्स का पॉपुलेशन इंट्रिंजिक प्योर सेमीकंडक्टर में सेम होता है, इसीलिए फर्मी लेवल बराबर बीच में आता है। जैसे कि कोई चीज अगर ऊपर 50 किलो है, नीचे 50 किलो है, तो सेंटर ऑफ मास बराबर सेंटर पे होगा,
उसी तरह से जो है ऊपर पॉपुलेशन कंडक्शन बैंड में जितनी है, कंडक्शन बैंड में कौन होगा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में कौन होगा आपके होल्स होंगे, तो दोनों का पॉपुलेशन क्या होता है सेम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसलिए फर्मी लेवल बराबर बीच में आता है। अगर हम देखें एन टाइप, एन टाइप में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कंडक्शन बैंड में बहुत सारा पॉपुलेशन है, कंडक्शन बैंड में भरा पड़ा है पॉपुलेशन बहुत सारा है, तो अगर कंडक्शन बैंड में आपका पॉपुलेशन है तो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका फर्मी लेवल। तो यहाँ का जो फर्मी लेवल है बेटा वो कंडक्शन बैंड की तरफ है, आप ध्यान से देखो बीच में नहीं है, कंडक्शन बैंड की तरफ ऊपर शिफ्ट हो चुका है, टू द एक्सटेंट कि डोनर लेवल को भी वो क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्मी लेवल डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में आपका फर्मी लेवल होता है एन टाइप के लिए। पी टाइप में किसकी संख्या ज्यादा है, पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा है, तो होल्स मतलब कहाँ होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, तो वैलेंस बैंड में ज्यादा पॉपुलेशन है इसलिए फर्मी लेवल जो है वैलेंस बैंड के काफी पास में होता है, इवन टू द एक्सटेंट की एक्सेप्टर लेवल के भी नीचे, मतलब एक्सेप्टर लेवल ऑलरेडी वैलेंस बैंड के पास में है ना पी टाइप में, उससे भी जो है पास में कौन होता है आपका फर्मी लेवल होता है। तो यहाँ पर देखो आप ये ग्रीन वाला फर्मी लेवल किसका है, ये किसका है फर्मी लेवल, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आप याद रखें, थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो आ जाओ बेटा पीएन जंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, इस पीएन जंक्शन को ही एक डिवाइस के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। पहले पढ़ते हैं कि पीएन जंक्शन होता क्या है, ध्यान से देखना, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, इसका सिंबल तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, इसके सिंबल में नेगेटिव, इसका मतलब एटम होता है, कैसा एटम है, एक्सेप्टर एटम है कि डोनर एटम है सोचो, और ये कैसा एटम है ना, आप जानते हो क्या बोलते हैं पी टाइप में जो आपका कौन सा इंप्यूरिटी होता है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है, एक्सेप्टर एटम है आपका नेगेटिव, नेगेटिव लेने की टेंडेंसी इसलिए इसको नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। तो ये सब हम बातें कर चुके हैं, ये जो है पी टाइप का सिंबल है, एन टाइप का सिंबल है, पी टाइप में ये पी टाइप में येलो वाला जो ये नेगेटिव है इसका नाम क्या है, इट इज अ कौन सा एटम है, एक्सेप्टर एटम है ना, और मतलब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है, एटम है ये, कोई चार्ज नहीं है एटम, और उसके साथ फ्री में क्या आता है, हर पी टाइप में एक 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 एटम, एक एक इंप्योरिटी एटम के साथ एक होल आता है, तो मेजोरिटी चार्ज कर रही है यहाँ पर होल है, और कुछ कुछ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स भी है, नेगेटिव से दिखाया मैंने, इस साइड में एन टाइप में जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है जो हर एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी आइटम के साथ अटैच है, और ये प्लस प्लस जो दिखाया देर आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि एन टाइप में होल्स होते हैं और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी में, ठीक है। तो ये सब जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पी टाइप है एक एन टाइप है, इन दोनों को जोड़ने वाले वेल्डिंग करने वाले, इन दोनों को वेल्ड करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो जंक्शन बनेगा, हम जंक्शन पढ़ रहे हैं, इन दोनों को चिपका देता हूं मैं, इन दोनों को मैंने इस तरह से जो है यहां पर चिपका दिया है, जैसे इन दोनों को मैं चिपका दूंगा वेल्ड कर दूंगा तो एक फेनोमेनन यहाँ पर होता है, उसको हमें स्टडी करना है। जैसे इन दोनों को मैं चिपका देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज विथ होल्स ऑफ द पी साइड, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है तो वो मूव करते हैं और इसके साथ जाके होल के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज होना मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन और होल जब आते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक प्रकार से डिफ्यूजन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड दे गेट डिफ्यूज टू द होल्स ऑफ द पी साइड, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव करने के कारण, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट में मूव करने के कारण एक राइट साइड में करंट आता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिफ्यूजन करंट इसको बोला जाता है, ठीक है, राइट साइड में डिफ्यूजन करंट बोला जाता है, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक रीजन बन जाता है और इस रीजन का नाम है डिप्लीशन रीजन, है ना। तो ये जो रीजन है आपका पॉइंट ये ब्लू लाइंस के बीच में जो रीजन है आपका उसको हम बोलते हैं बेटा डिप्लीशन रीजन, है ना, ब्लू लाइन दिख रही है सर आपको, ये ब्लू लाइन इस तरह से जो है इसके अंदर का जो ये रीजन है ये क्या बन जाएगा आपका डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। इस डिप्लीशन रीजन में और क्या होता है, अब ध्यान सुनना, डिप्लीशन रीजन में ये जो नेगेटिव 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 लिखा है ये क्या है, ये माइनस माइनस, ये एटम्स है, मैंने बोला था आपको, ये जो एटम्स है इन्होंने क्या कर दिया, अपना होल खो दिया, इसका इलेक्ट्रॉन गया और इसका होल गया, न्यूट्रलाइज हो गया ना, इसका होल गया मतलब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज आयन की तरह बिहेव करता है तो ये एटम अपनी जगह मूव नहीं कर सकता इसलिए उसी जगह पे रहेगा बट निगेटिव आयन बन जाएगा, दिस एटम विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ निगेटिव आयन, तो यहाँ पे निगेटिव की एक वॉल बन जाएगी, एंड दीज एटम्स हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर ये पॉजिटिव आयन्स की एक वॉल इस तरह से यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन्स, तो यहाँ पे जो है परमानेंट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ परमानेंट निगेटिव चार्ज हो जाएगा। परमानेंट क्यों है, क्योंकि ये एटम्स है और एटम मूव नहीं करते, है ना, एटम एक जगह पे रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर सेट होती है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, तो आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, है ना, बैरियर फील्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं, है ना, कहाँ से सेट हुई है, ये एन टाइप से पी टाइप की तरफ बैरियर फील्ड यहाँ पर सेट हो चुकी है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, अगर इस बैरियर फील्ड की विड्थ W है बेटा, बैरियर फील्ड की विड्थ अगर W है
तो मैं लिख सकता हूँ है ना E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बैरियर फील्ड इन टू विड्थ इज डब्ल्यू, तो ये बैरियर पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस बैरियर इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल, तो ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर कहलाता है, जो कि अगर हमने ये जो प्योर सेमीकंडक्टर जिनके ऊपर डोपिंग की है हमने, ये अगर हमने सिलिकॉन इस्तेमाल किया है तो बैरियर पोटेंशियल जो है 0.7 वोल्ट्स का देखने को यहाँ पर हमें मिलता है, किसके लिए फॉर सिलिकॉन बेस के लिए ना, सिलिकॉन बेस अगर ये पूरा जो खेल हमने किया है, ये जो चिप्स लगाए हैं दोनों को जो वेल्ड किया है सिलिकॉन के हैं, तो 0.7 वोल्ट्स का बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। एक और चीज, अब जो ये डिप्लीशन रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू लाइंस के बीच में जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन क्यों बोला इसको, डिप्लीशन का मतलब बंजर जमीन, जैसे रेगिस्तान होता है। सेमीकंडक्टर में रेगिस्तान का मतलब क्या है, जिस जगह पे कोई चार्ज कैरियर्स ना हो, सारे चार्ज कैरियर तो एक दूसरे के साथ लग के डिफ्यूज हो गए, तो चार्ज कैरियर लेस रीजन जो है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जिसके अंदर एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सर डिप्लीशन रीजन में ही क्यों चार्ज कैरियर डिफ्यूज होते हैं, आजू बाजू के क्यों डिफ्यूज नहीं होते, ये भी समझने वाली बात है। इधर भी तो सर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी तो एक होल है, ये उड़ी मार के क्यों यहाँ पर नहीं जाता, जैसे ये लाल वाला गया उस तरह से ये क्यों नहीं जाता। तो बेटा एक बार डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया, एक बार बैरियर फील्ड आ गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इधर जाने की कोशिश करेगा तो बैरियर फील्ड उसको रोकेगी, क्योंकि बैरियर फील्ड अगर लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स राइट में लगेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है राइट में धक्का लगेगा इसको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर एटम से बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना। तो दिस बैरियर फील्ड प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स टू कम इन टू द पी साइड, एंड दिस सेम बैरियर फील्ड ऑल्सो प्रिवेंट्स द होल्स ऑफ द पी टाइप टू गो इन टू एन टाइप। तो बैरियर फील्ड का ये काम है कि डिप्लीशन रीजन में ही कांड होता है, डिप्लीशन रीजन के बाजू के, डिप्लीशन रीजन के व्यतिरिक्त जो है इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ सकते, इधर के जो है होल्स उधर नहीं जा सकते, उनको कौन रोक रहा है आपको, बैरियर फील्ड रोक रहा है। एक बात और समझने वाली है, क्या पी टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पी टाइप में सिर्फ होल्स ही होते हैं, सर पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं बट माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी तो है पी टाइप में, बैरियर फील्ड ने पी टाइप के होल्स को तो रोक लिया बट इलेक्ट्रॉन्स को तो अट्रैक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि जो है लेफ्ट साइड में बैरियर फील्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो फोर्स राइट में लगेगा, तो ये वाले होल्स जो है, ये वाले होल्स नहीं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले, ये पक्का जो है उड़ी मार के कहाँ जाएंगे आपके, इस साइड एंट्री कर लेंगे, किस साइड, क्या बोलते हैं, एन साइड में एंट्री कर लेंगे ये वाले होल्स। उसी तरह से एन टाइप में भी कुछ आपके जो है होल्स हैं, वो होल्स जो है एन टाइप वाले, वो भी जो है आपके पी टाइप में एंट्री करेंगे बिकॉज ऑफ दिस बैरियर फील्ड। बैरियर फील्ड जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को तो रोक लेता है बट माइनॉरिटी वालों को रोकता नहीं, सपोर्ट करता है, तो माइनॉरिटी वाले बिल्कुल डिफ्यूज होंगे, पी से एन साइड में जाएंगे, इसलिए छोटा सा एक करंट आता है, करंट की दिशा में आएगा, सोचो है ना, आपके जो है क्या बोलते हैं होल्स जो है लेफ्ट में जा रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स जो है राइट में आपके जा रहे हैं, तो करंट जो है आपका क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, है ना, होल्स की दिशा में, तो एक लेफ्ट साइड में करंट आता है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट करंट हमको बोलते हैं, है ना, आईडी ड्रिफ्ट करंट इसको बोलते हैं। सर सबसे पहले करंट आया था डिफ्यूजन करंट, वो था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और ये जो है ड्रिफ्ट करंट ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, हाँ है ना। तो एक जब सेमीकंडक्टर का चिप तुम्हारे हाथ में होता है, दैट इज अ न्यूट्रल, इसको कोई बैटरी नहीं जोड़ी हमने बाहर से, तो ये करंट जो है अल्टीमेटली डिप्लीशन रीजन में जीरो होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में जो करंट है तुम्हारा ड्रिफ्ट करंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिफ्यूजन करंट, दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड देर विल बी नो नेट करंट इन साइड द डिप्लीशन रीजन, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ में जो है ये जो है मेरे पास एक पी एन जंक्शन डायोड है, मान लो तो इस साइड में पी साइड है, इस साइड में एन साइड है, और बीच में क्या है डिप्लीशन रीजन है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है बीच में डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन में कोई करंट नहीं बह रहा है, इट्स अ न्यूट्रल थिंग, डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर भी नहीं है। आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो है कौन से चार्ज कैरियर है, होल्स है, और एन टाइप में क्या है मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन से, सब कुछ न्यूट्रल है, कहीं भी कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं है, है ना। तो ये बात आपको समझनी है, भले थोड़ा स्टार्टिंग में करंट वरंट बहता है बट आखिर में सब न्यूट्रल हो जाता है, सब शांत हो जाता है, देर इज नो करंट नाउ, बैटरी थोड़ी जोड़ी है इसको कि आपने आप करंट बहने लग जाएगा, है ना। तो आप याद रखें कि जो आपके हाथ में जो है अगर पी एन जंक्शन किसी ने रख दिया तो एक साइड पी टाइप, एक साइड जो उसकी पी टाइप होती है, एक साइड एन टाइप होती है, बीच में जो है रेगिस्तान जैसा कुछ होता है, मतलब चार्ज कैरियरलेस रीजन जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जिसका जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज जरूर एग्जिस्ट करता है 0.7 वोल्ट जो सिलिकॉन के केस में आता है, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब बातें आप याद रखें। बैरियर फील्ड कहां से कहां होती है बेटा, बैरियर फील्ड एग्जिस्ट करती है एन टाइप से लेके पी टाइप तक,
है ना। तो ये पीएन जंक्शन की पूरी कहानी है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। पीएन जंक्शन को ऑपरेट करने के दो तरीके हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो बेटा पीएन जंक्शन अभी हमने देखा था, पीएन जंक्शन को जो है अगर हमें डिवाइस के फॉर्म में तैयार कर दे तो वो डायोड बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पीएन जंक्शन डायोड है, जिसमें एक साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक साइड एन टाइप है, और बीच में एक ग्रीन वाला डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बैरियर के अंदर, बैरियर पोटेंशियल की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जिसको हम कौन सी बैरियर फील्ड बोलते थे, जो एन टाइप से लेके पी टाइप सेमीकंडक्टर में होती है ना। तो इस तरह से लेफ्ट में बैरियर फील्ड होती है। जैसे हम उसको बैटरीज जोड़ेंगे तो आपको दो प्रकार के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। पहला कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायस कॉम्बिनेशन। फॉरवर्ड बायस कॉम्बिनेशन मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को जोड़ो और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल एन टाइप को जोड़ो, पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड निगेटिव को निगेटिव, तो जो है बनता है फॉरवर्ड बायस बनता है। जैसे हम जोड़ेंगे, आप ध्यान से देखो, जो है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पी टाइप को जोड़ दिया और निगेटिव टर्मिनल एन टाइप को जोड़ दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बैटरी के कारण, अंदर जो हमने जो बैटरी लगाई है उसके कारण एक पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है, बैटरी ने बनाई, बैटरी लगाने के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आती है। बैरियर फील्ड तो लेफ्ट में एन टाइप से पी टाइप, लेकिन इस वाले केस में जो है बैटरी ने पी टाइप से एन टाइप की तरफ ये लाल वाली फील्ड बनाई। हमारी बैरियर फील्ड को बैटरी ने क्या किया, अपोज कर दिया, है ना। तो आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर की लेफ्ट में है और बैटरी की राइट में है, तो बैटरी की फील्ड बैरियर फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो विड्थ जो है इस डिप्लीशन रीजन की, है ना, ये डिप्लीशन रीजन जो है इसकी जो विड्थ है वो क्या होने वाली है, घटने वाली है, पिचक जाएगा डिप्लीशन रीजन, और अल्टीमेटली जो है डिप्लीशन रीजन उसकी विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी, कम होते 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 डिप्लीशन रीजन पूरा खत्म हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन मतलब डेड जोन, जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन नष्ट हो जाएगा और सारे चार्ज कैरियर्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे करंट बहने के लिए, इसलिए बहुत बढ़िया से जो है करंट इसमें बहेगा, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बैरियर फील्ड को हरा देती है, डिप्लीशन रीजन पिचक जाता है, छोटा हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसके बाद सारे चार्ज कैरियर्स, मतलब यहाँ के पी टाइप में जो होल्स हैं और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजोरिटी में, सारे जो है कंडक्शन में टेक पार्ट लेते हैं और बहुत अच्छे से करंट बहता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस। और क्योंकि बहुत अच्छे से करंट बहता है तो इसको बोलते हैं ऑन स्टेट। फॉरवर्ड बायस में जो है अगर पीएन जंक्शन को लगाएंगे तो इसको ऑन स्टेट बोला जाएगा जंक्शन की, ठीक है। विड्थ जो है डिक्रीज होती है, बता चुका हूँ आपको। अब इसके विरुद्ध क्या होगा, इसके विरुद्ध क्या होगा, आप सोचो, इसके विरुद्ध होगा रिवर्स बायस, जिसमें क्या होगा, तो ध्यान से देखो, रिवर्स बायस में यहाँ पर आपका ये पी टाइप है और यहाँ पर ये एन टाइप है, और बीच में जो है आपका क्या है, डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है आपका। इसको आप किस तरह से जोड़ोगे बैटरी में, ये पी टाइप जो है निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, तो आपका जो है यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो बैटरी के कारण अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, और क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड है तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है एन से पी, मतलब बैरियर फील्ड भी जो है इसी दिशा में होती है, बैरियर फील्ड इतने से एरिया में होती है वो बैरियर फील्ड, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। डिप्लीशन रीजन आपका बढ़ता जाएगा, है ना, डिप्लीशन रीजन स्ट्रेच होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा मतलब डेड एरिया, रेगिस्तान आपका बढ़ता जा रहा है, चार्ज कैरियर्स की संख्या खत्म हो रही है, क्योंकि रेगिस्तान में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। डिप्लीशन रीजन बढ़ता जा रहा है, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है, चार्ज कैरियर्स खत्म हो रहे हैं, तो आपको जो है कभी भी करंट इसमें नहीं मिलने वाला, है ना, अंटिल कि आप पूरा जंक्शन ही जो है उड़ा दो, सबको ही डिप्लीशन रीजन बना दो, वो अलग केस हो जाएगा। बट इसको ऑफ स्टेट बोला जाता है बेटा, रिवर्स बायस मोड को ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिप्लीशन रीजन की लेंथ या विड्थ बढ़ती जाती है एंड देर इज वेरी लेस चांस कि करंट बहेगा। इसीलिए रिवर्स बायस में जब भी ऑपरेट होता है आपका पीएन जंक्शन, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, ऑफ स्टेट, मतलब करंट नहीं बहाता, इट्स बिहेव लाइक ओपन सर्किट। सर्किट में अगर रिवर्स बायस में लगाओगे तो इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, और अगर फॉरवर्ड बायस में लगाओगे इट बिहेव्स लाइक अ वायर, करंट को अलाउ करता जाने में। तो सिंपल सी ये बातें हैं पीएन जंक्शन के बारे में, ऑन स्टेट और इसकी ऑफ स्टेट के बारे में। तो पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में लगाने के बाद किस तरह की आईवी कैरेक्टरिस्टिक आती है, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ेंगे, और वहीं से जिनर डायोड को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिनर डायोड आज का टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए पहले एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का आईवी ग्राफ देखते हैं। आई क्या है, जिनर डायोड में से बहने वाला करंट जो बैटरी लगाने, मतलब बायस लगाने के बाद बहेगा, और बैटरी मतलब बायस का जो वोल्टेज है, बैटरी मतलब बायस, जो एक्सटर्नल बैटरी आपने लगाई है उसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस एक हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। तो आप ध्यान करो कि ये जो ग्राफ है, मैं पॉजिटिव पोटेंशियल इस तरफ लूंगा राइट साइड में, दैट इज फॉरवर्ड बायस, और निगेटिव पोटेंशियल इस तरफ प्लॉट करूंगा, दैट विल बी रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो इस साइड फॉरवर्ड बायस,
फॉरवर्ड बायस में आप याद करो किस तरह का ग्राफ आपका बनता था। तो फॉरवर्ड बायस में बेटा ये जो ग्राफ बनता था हमारा, फॉरवर्ड बायस में आप याद करो कि एक्सटर्नल फील्ड जो है लाल वाली, वो आपके बैरियर बैरियर फील्ड को अपोज कर रही थी। धीरे धीरे डिप्लीशन रीजन कम हो रहा था और एक टाइम के बाद पूरा डेल्टा भी आपका नष्ट हो जाएगा, है ना, बैरियर वोल्टेज नष्ट हो जाएगा और बैरियर सारे खत्म हो जाएंगे और फिर करंट बहेगा, है ना, ये हमने देखा था। तो जब तक जो है आपका बैरियर फील्ड, क्या बोलते हैं, बैटरी का जो फील्ड है बैरियर फील्ड को हरा नहीं देता, तब तक करंट नहीं बहेगा। पहला काम क्या है, पहले इस डिप्लीशन रीजन को खत्म करना है, उसके बाद करंट बहेगा। तो डिप्लीशन रीजन को खत्म करने में कुछ जो है आपका वोल्टेज यहाँ पर खर्च होने वाला है ना। जैसे सिलिकॉन की बात करें तो हमने बोला था कि 0.7 वोल्ट का बैरियर वोल्टेज होता है, तो पहले 0.7 वोल्ट को खत्म करना पड़ेगा, फिर जाके करंट बहने वाला है। इसीलिए ग्राफ जो है अब ध्यान से देखना, कुछ इस तरह का ये ग्राफ आता है, ये इस तरह से जो है आपका ग्राफ उड़ जाता है ऊपर। ओके, क्या इसलिए क्या किया आपने, तो जब तक कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आया नहीं, जब तक कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आया नहीं, एक मिनट, तो क्या बोल रहा था बेटा मैं, जब तक आपका जो है पर्टिकुलर वोल्टेज आया नहीं, तब तक क्या होगा, कोई करंट जो है बहने यहां पर नहीं वाला है, ठीक है, कोई करंट आपका यहां पर बहने नहीं वाला है। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बैरियर जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, 0.7 वोल्ट को जैसे सिलिकॉन में पहले क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद करंट आएगा। तो यहां तक जो है आपका ग्राफ क्या बोलते हैं, जीरो करंट दिखाएगा। जब वोल्टेज ही जीरो होगा, बैटरी ही नहीं लगाएंगे, तो पीएन जंक्शन तो एक न्यूट्रल यूनिट होता है, उसके अंदर कोई करंट नहीं बहता। तो जब बैटरी वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। जब तक आप एक बैरियर को क्रॉस ना कर दो, है ना, बैरियर तोड़ ना दो, तब तक कोई करंट नहीं आएगा। तब तक जो है हमने वोल्टेज बढ़ाते गए, एक पॉइंट पे जाके बैरियर क्रॉस हुआ, तुम्हारा डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया, फिर करंट यहां पर बढ़ने वाला है, है ना। तो उसके बाद जो है डायनामिक रेजिस्टेंस के हिसाब से आप लोग इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, तो DI/DV आएगा, विच इज 1/R, उस तरह से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप लोग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, दिस इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द करंट, और इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज इसको बोला जाता है, ठीक है ना। सिलिकॉन के केस में कितना होगा नी वोल्टेज, क्या 0.7 वोल्ट होगा, तो उसके आसपास होता है, एग्जैक्ट 0.7 वोल्ट नहीं होता। बैरियर का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन का, तो उसको हराने के बाद ही जो है, मतलब बैटरी पहले उसको हराएगी, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे करंट ला पाएंगे। तो नी वोल्टेज 0.7 के एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता, आसपास होता है। तो इस तरह से ग्राफ आता है। रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में एक छोटा सा करंट डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली देखा जाता है इसे। सर क्यों आ रहा है करंट, जीरो होना चाहिए रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में तो करंट आता ही नहीं है। रिवर्स बायस में रेगिस्तान की विड्थ, मतलब डिप्लीशन रीजन जो है आपका रेगिस्तान जो है उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, आपके चार्ज कैरियर तो खत्म होते हैं सर, तो किस तरह से करंट आ रहा है, छोटा सा करंट क्यों आ रहा है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, है ना। डिप्लीशन रीजन में रिवर्स बायस में जो क्या बोलते हैं आपको, आपने देखा होगा बैरियर फील्ड जो है मेजॉरिटी कैरियर्स को अपोज करता है, लेकिन माइनॉरिटी को वो सपोर्ट करता है, थोड़ा करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आता है, थोड़ा बहुत करंट जो है थोड़ी देर तक आता है, मतलब ये निगेटिव करंट, निग्लिजिबल करंट ही मान लो आप इसको, रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं बहता ऐसे ही मान लो, फिर अचानक से जो है बहुत ज़्यादा करंट अचानक से ऐसे देखने को मिलता है ना। अब देखो निगेटिव की मतलब इन्फिनिटी की तरफ नीचे जा रहा है, निगेटिव इन्फिनिटी मतलब रिवर्स डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू आ रही है। अचानक से करंट की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि डिप्लीशन रीजन कम हुआ, सॉरी डिप्लीशन रीजन बढ़ता गया आपका रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ता गया, पूरा जो है पीएन जंक्शन ही डिप्लीशन रीजन बन गया, और फिर विस्फोट हो गया ये समझो, है ना, फिर सारे चार्ज कैरियर फ्री हो गए और सारा करंट जो है एक साथ बहने लग गया। तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है जहां पे अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वोल्टेज मात्र कॉन्स्टेंट रहता है। यहां पर देखो इस कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे रिवर्स डायरेक्शन में तुमने डिप्लीशन रीजन को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे आप देख सकते हो कि अचानक से बहुत ज्यादा करंट जो है आने लग जाता है, ठीक है ना। तो इस करंट के आने के कारण जो है बहुत सारे जो जंक्शंस होते हैं, पीएन जंक्शंस होते हैं, वो मेल्ट भी हो जाते हैं, इतना करंट हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए एक स्पेशल डायोड लाया जाता है जिसका नाम है जीनर डायोड, जो इस क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन को झेल पाता है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन हो गया, अचानक से करंट बढ़ने को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इसको जो है कॉन्स्टेंट यहाँ पर जो वोल्टेज है, जहाँ पे अचानक से करंट बढ़ जाता है, ये वोल्टेज पहली बात तो कॉन्स्टेंट रहता है, है ना। अचानक से करंट बढ़ने के लिए वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं, इस वोल्टेज पे आके रुक जाओ तो भी अपने आप करंट जो है बहुत सारा आता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा करंट अचानक से इसमें आ जाता है। तो यहाँ इस रीजन के में जो ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं बेटा जीनर डायोड, है ना।
नॉर्मल से डायोड इतना सारा करंट हैंडल नहीं कर पाते, अचानक से जो करंट आ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस में, उसको झेल नहीं पाते, मेल्ट हो जाते हैं। तो जिनर डायोड इस रीजन में वर्क करता है। तो जिनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ग्राफ किस में बनाया? फॉरवर्ड बायस में। अरे ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड उधर था। रिवर्स बायस में जिनर डायोड आपका काम करता है और इतना सारा करंट आने के बावजूद जो है मेल्ट भी नहीं होता। तो इसका क्या उपयोग है सर, क्या काम है इसका? तो ये स्टेबिलाइजर की तरह काम करता है बेटा। घर में स्टेबिलाइजर पता है, अचानक से जो है मान लो घर में बहुत ज्यादा करंट आ गया तो आपके घर में टीवी उड़ जाता है, फैन उड़ जाता है, बचपन में हुआ होगा, अचानक से बहुत सारा करंट आ गया तो जिनर डायोड लगा हुआ अगर घर में, मतलब हल्का फुल्का आपको एनालॉजी दे रहा हूँ, मान लो जिनर डायोड जैसा कुछ आपने घर में लगा दिया तो क्या होगा, बहुत सारा करंट आया, बहुत सारा करंट आया, फिर भी वोल्टेज क्या रहा, कॉन्स्टेंट रहा, है ना। तो आपके घर के अप्लायंस जो है वोल्टेज पे चलते हैं, वोल्टेज उनका बढ़ेगा नहीं चाहे कितना भी ज्यादा जो है करंट आ जाए, बहुत सारा करंट बट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। तो आपका वोल्टेज एक लिमिट को क्रॉस कभी नहीं करेगा और आपके घर में सब सेफ रहेगा। दैट इज हाउ थोड़ा सा जो है सर्किट्स में छोटे लेवल पे ये काम करता है जिनर डायोड। तो जिनर डायोड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस। नमस्कार बच्चों, चलिए हम लोग जिनर डायोड पे चर्चा करते हैं। जिनर डायोड एक स्पेशल प्रकार का डायोड है जिसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि वो रिवर्स बायस में काम करता है और क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। तो इसमें क्या खासियत है जिनर डायोड में, नॉर्मल डायोड से जिनर डायोड कैसा अलग है? तो नॉर्मल डायोड से क्या है, क्या बोलते हैं, इट इज स्पेशल डायोड यूज्ड इन रिवर्स बायस। इसको हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया तो ये नॉर्मल डायोड से बिहेव करेगा, बट जिनर अगर इसको बनना है तो रिवर्स बायस में जो ऑपरेट करना पड़ेगा। और इट ऑपरेट्स इन द ब्रेकडाउन रीजन, जहां पे ब्रेकडाउन होता है मतलब बहुत सारा करंट बहता है कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे, उस रीजन में काम करता है। इट इज हाईली डोप्ड, है ना, बहुत ज्यादा हाईली डोपिंग होना चाहिए तभी तो बहुत सारा करंट यहाँ पे मिल सकता है हमको। थिन डिप्लीशन रीजन इंश्योर्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन होता है पी और एन साइड के बीच में जो डिप्लीशन रीजन होता है, रेगिस्तान जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत थिन होता है, मतलब डिप्लीशन रीजन छोटा सा होता है। छोटा सा डिप्लीशन रीजन होगा तभी तो क्या बोलते हैं जल्दी से उसको तोड़ पाएंगे हम लोग। थिन डिप्लीशन रीजन इंश्योर्स हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बैरियर फील्ड इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। इट हैंडल्स हाई करंट, मतलब बहुत ज्यादा करंट इसमें बहता है एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जब रीच हो जाता है तब उसका वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज्यादा नहीं होता, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज पे इसकी वोल्टेज की गाड़ी रुक जाती है, बट करंट जो है इनफाइनाइट आ सकता है। इनफाइनाइट इन द सेंस बहुत बड़ा करंट हैंडल कर सकता है, बहुत बड़ा करंट बह सकता है, कीपिंग द वोल्टेज टू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जिनर डायोड के बारे में थ्योरी है, रट्टा मार लो इसको। अभी देखो जिनर डायोड में जो है, हमने अभी देखा कि ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करता है। तो ब्रेकडाउन दो प्रकार के होते हैं, है ना। रिवर्स बायस में जब भी कोई जब डायोड जो ऑपरेट होता है तो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होता है। तो एक प्रकार का ब्रेकडाउन होता है जिसमें वोल्टेज पक्का कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो ये वेग ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ये ब्लू वाले ग्राफ में, यहाँ पे जो है रिवर्स बायस में कांस्टेंट हो चुका है। इस प्रकार के मटेरियल्स जो ये तरह का ब्रेकडाउन दिखाते हैं उनसे जिनर डायोड बनता है ना। तो जिनर डायोड जो है यूजफुल है ब्रेकडाउन के केस में, बिकॉज इसमें क्या होता है वी ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है और करंट जो है बहुत हाई मात्रा में अपने को मिलता है। और ये येलो वाला ग्राफ इसका है, कुछ कुछ मटेरियल जो है येलो वाला ब्रेकडाउन दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, एक ब्रेकडाउन आने के बाद भी जो है वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ रहा है, ग्राफ लेफ्ट में जा रहा है। देखो ग्राफ इज स्टिल गोइंग टू द लेफ्ट आफ्टर द ब्रेकडाउन, लेफ्ट में ग्राफ जा रहा है मतलब वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। हाँ करंट भी बढ़ रहा है बट वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, है ना, थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ जाता है। दैट इज द एवलांचे ब्रेकडाउन। इस तरह के मटेरियल्स हमें नहीं चाहिए, हमें जिनर डायोड अगर बनाना है तो ऐसे मटेरियल चाहिए कि ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब वोल्टेज हो जाए कांस्टेंट, करंट बढ़े बहुत ज्यादा। इस तरह के मटेरियल से ही हम लोग क्या करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज बनाते हैं, सॉरी जिनर डायोड बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंबल देखते हैं। नॉर्मल डायोड जो होती है, नॉर्मल सी डायोड ब्रेकडाउन, सॉरी जिनर डायोड नहीं बोल रहा, नॉर्मल सी डायोड का ये सिंबल है, ये ट्रायंगल और ये डंडा। ये ट्रायंगल मतलब पी साइड है और ये डंडा मतलब एन साइड है, याद रखना, है ना। और करंट हमेशा पी से एन बहता है। एरो दिख रहा है, एरो आपको, एरो मतलब करंट की दिशा, है ना, पी से एन करंट बहेगा। तो क्या बोलते हैं एरो की दिशा में करंट बहता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो नॉर्मल डायोड का ये सिंबल होता है ना, पी और एन सिंबल में नहीं होता, इस तरह का सिंबल है, आप याद रखो। ट्रायंगल मतलब पी है, डंडा मतलब एन है। तो अब ध्यान से देखो, फॉरवर्ड बायस में अगर हमने क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस में किसी डायोड का लगा दिया तो क्या सिंबल होना चाहिए, पहले एक नॉर्मल सी डायोड बना दो। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का मतलब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो। तो ट्रायंगल मतलब पी टाइप है, इसको पॉजिटिव इधर लगा दो, इधर नेगेटिव, इस तरह से अगर बैटरी लगाई तो ये आपका फॉरवर्ड बायस का डायग्राम हो जाएगा। रिवर्स बायस में आप समझ ही गए होंगे, सेम डायोड बनाओ, है ना। डायोड में क्या करते हैं हम लोग, पी को निगेटिव कनेक्शन लगा दो, पी को बेटा निगेटिव लगा दो और एन को पॉजिटिव लगा दो, है ना, इस तरह से जो है रिवर्स कर दो। तो ये रिवर्स बायस का आपका सिंबल है।
फॉरवर्ड बायस में करंट बहता है क्या? बिल्कुल, फॉरवर्ड बायस में करंट बहता है ट्रायंगल से लेके क्या बोलते हैं आपका डंडे की तरफ, मतलब पी से एन साइड की तरफ करंट बहता है, और ये जो करंट होता है वो मिली एम्पियर्स में होता है, बहुत ज्यादा करंट नहीं बहता, मिली एम्पियर्स में बहता है। रिवर्स बायस में करंट बहता है क्या? हाँ, रिवर्स बायस में भी करंट बहता है, बट इस करंट को हम जीरो बोलते हैं। सर क्या बकवास कर रहे हो, करंट बहता है फिर जीरो बोल रहे हो? करंट बहता है लेकिन माइक्रो एम्पियर में, बहुत छोटा करंट बहता है, नियरली इक्वल टू क्या बोल देते हैं हम इसको, जीरो। तो हम याद क्या रखेंगे कि नॉर्मल डायोड का काम क्या है, अगर फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो करंट बहेगा, रिवर्स बायस में लगाओगे तो करंट नहीं बहेगा। दैट इज द काम, दैट इज द वर्क ऑफ नॉर्मल सी डायोड। तो वन वे ट्रैफिक कंट्रोल है ना, कुछ कुछ रस्ते होते हैं वन वे, उस रस्ते में सिर्फ आप एक दिशा में जा सकते हो, वापस नहीं आ सकते। तो सेम तरीका का काम सर्किट के अंदर डायोड करता है। करंट अगर राइट साइड में जाएगा, मान लो ऐसे डायोड लगाने पे, तो करंट राइट साइड में जाना अलाउड है क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, बट लेफ्ट साइड में करंट आना अलाउड नहीं है, है ना, क्योंकि रिवर्स बायस है। तो इस तरह का कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सी डायोड का सिंबल और काम है। अब देखते हैं जीनर डायोड क्या है। जीनर डायोड का सिंबल थोड़ा अलग है। नॉर्मल की डायोड में जो सिंबल होता है वैसा ही है, एक ट्रायंगल है विच रिप्रेजेंट्स एन टाइप, फिर एक डंडा है विच रिप्रेजेंट पी टाइप, बट डंडे को इंटीग्रेशन से कुछ किया है, ये वाई और ये वाई, ऐसे ऐसे नीचे जो कर्व बनाए गए हैं, दैट रिप्रेजेंट्स योर जीनर डायोड, है ना। नॉर्मल डायोड से जीनर डायोड का सिंबल थोड़ा सा अलग है, और हम सब जानते हैं कि जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस मतलब ट्रायंगल जो पी साइड है आपका वो लगा दो निगेटिव से, और जो एन साइड है वो लगा दो पॉजिटिव से, रिवर्स बायस में ही आपका जीनर डायोड वर्क करता है। तो ये सिंबल लगा है मतलब रिवर्स बायस में काम कर रहा है आपका। ये बात आप याद रखो, ठीक है। तो करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल बहेगा, तभी तो रिवर्स बायस कहलाएगा। तो जीनर डायोड का ये सिंबल है इंटीग्रेशन जैसा, ब्रेकडाउन के बाद ही करंट फ्लो होगा। रिवर्स बायस में जब हम जीनर डायोड को ऑपरेट करते हैं तो जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आता, जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका नहीं आता तब तक कोई करंट नहीं बहता, है ना। ग्राफ आप देख सकते हैं, जब तक जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका नहीं आता, जैसे कि आप देखो रिवर्स बायस में हमने लगा दिया, है ना, हम वोल्टेज बढ़ाते गए, कोई करंट नहीं आ रहा था, बट ब्रेकडाउन जब हुआ, ब्रेकडाउन वोल्टेज जब अचीव हुआ, तो अचानक से करंट प्रकट हो गया, अचानक से करंट क्या हो गया, प्रकट हो गया। तो जीनर डायोड का काम क्या है, रिवर्स बायस में ऑपरेट करते वक्त जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आएगा तब तक जीनर डायोड में कोई करंट नहीं बहेगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया तुरंत बहुत सारा करंट इसमें बहने लग जाएगा, और उसके बाद वोल्टेज चेंज नहीं होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही वोल्टेज की गाड़ी अटक जाएगी, करंट बढ़ाते जाओ। तो ये जो है क्या बोलते हैं जीनर डायोड का आपका काम है। इस पे कुछ क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल, नॉर्मल डायोड पे, जीनर डायोड पे, तो वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सर्किट कंटेन्स टू डायोड्स ईच विद अ फॉरवर्ड बायस, सॉरी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड विद इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल डायोड सही है, फॉरवर्ड में अगर वर्क करेंगे तो रजिस्टर की तरह काम करेंगे, जिसका 50 ओम का जो है क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, और जैसे रजिस्टर में करंट बहता है तो फॉरवर्ड बायस में भी जो है करंट बहेगा अपने डायोड में। बट अगर रिवर्स बायस में हम ऑपरेट करें तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब करंट नहीं बहने देता। यही तो नॉर्मल से डायोड का काम होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट जाएगा, रिवर्स बायस में करंट नहीं जाने देगा। तो नॉर्मल से डायोड की बात चल रही है। इफ द बैटरी वोल्टेज इज इतना 6 वोल्ट, करंट थ्रू द 120 ओम रेजिस्टेंस इज इतना ये हमें निकालना है। ध्यान से देखो, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, क्या इस साइड करंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका पॉजिटिव साइड है ना, दिस इज योर पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड दिस इज योर नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, इधर से करंट आएगा ऐसे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायोड आपके कौन सी बायस में, रिवर्स बायस में कि फॉरवर्ड बायस में? ये डायोड देखो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, मतलब बैटरी से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और डंडा मतलब एन साइड, तो ये तो रिवर्स बायस में आ गया, है ना। तो रिवर्स बायस में तो करंट बहता ही नहीं है, रिवर्स बायस में नॉर्मल डायोड है, जिनर नहीं है ये, नॉर्मल डायोड में रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं बहता। तो इस दिशा में कोई करंट नहीं जाएगा, तो इस ब्रांच को ही उड़ा दो, इस दिशा में कोई करंट नहीं जाएगा, ये ब्रांच सर्किट में गायब हो गई। ये फॉरवर्ड बायस है ना, ये ट्रायंगल मतलब पी टाइप जो है पॉजिटिव कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस अगर ये है तो ये किसकी तरह काम करता है, बोला है फॉरवर्ड बायस में 50 ओम का रजिस्टर, मान लो इसको क्या मान लो, 50 ओम का रजिस्टर, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में अगर डालेंगे इसको तो हाँ, इसमें से करंट बहेगा, इसमें से करंट आपका जरूर जो है बहेगा। ये करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू, ये करंट ऐसे बहेगा, ऐसे आएगा, ऐसे पूरे सर्किट में करंट बहेगा, बीच वाली ब्रांच हमने उड़ा दी है। टोटल रजिस्टेंस कितना है, 50 और 130 कितना हो गया, 180 और 120 कितना हो गया, 300। टोटल रेजिस्टेंस 300 है,
6 वोल्ट की बैटरी है तो करंट आ जाएगा वोल्टेज आपका 6 अपॉन ये 300 विच अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी कितना आ रहा है, ये 1/50 आ रहा है ना, मतलब 2/100 आ रहा है। ये कितना आ गया आपका 2/100 इज 0.02 एम्पियर विच इज 20 मिली एम्पियर। ये जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया इसमें मैंने, आप ध्यान से देखो, मैंने फॉरवर्ड बायस में जो डायोड था उसमें से तो करंट बहा दिया, रिवर्स बायस वाले डायोड से मैंने करंट बहाया नहीं, उस ब्रांच को उड़ा दिया, फिर तो एक नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन बन के रह जाता है। इसको सॉल्व कर दिया तो बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये जेई मेन्स का PYQ था। एक और जो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वो भी जो है जेई मेन्स का ही PYQ है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये देखो, फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जेनर डायोड इज मिली वाट। तो इस बार क्या पूछा है, पावर पूछी है किसके अक्रॉस, जेनर डायोड के अक्रॉस। पावर का फॉर्मूला, पावर के फॉर्मूले होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में I2R V2R क्यों IV। जेनर डायोड का रेजिस्टेंस तो यहाँ पे मेंशन है नहीं, मतलब हमें फॉर्मूला लगाना है I V, जेनर डायोड का करंट I, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज V। मुझे कैसे पता ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे बढ़ता ही नहीं है जेनर डायोड की गाड़ी, है ना। तो जेनर डायोड का वोल्टेज मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, जेनर वोल्टेज जिसको बोलते हैं। इस जेनर डायोड का जो जेनर वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, मतलब 10 वोल्ट वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई करने पे गाड़ी चालू होगी इसकी, और 10 वोल्ट से बड़ा जो है इसका करंट कभी आ नहीं सकता, सॉरी इसका वोल्टेज कभी आ नहीं सकता, है ना। 10 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो कि कांस्टेंट होता है। तो चलो मुझे एक बात यहां पर समझ में आ चुकी है, क्योंकि रिवर्स बायस में लगा है जेनर डायोड, है ना। आप देख सकते हो ये एन साइड है, ये इंटीग्रेशन जैसी, और ये जो एरो है जैसे जो पी साइड रिवर्स बायस में दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर बैटरी का, रिवर्स बायस में जेनर डायोड है और उसमें से करंट भी बह रहा है। रिवर्स बायस में अगर करंट बह रहा है जेनर डायोड में, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका पक्का क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, क्योंकि तभी करंट बहता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर क्रॉस हो चुका है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट आ चुका है और 10 से बढ़ता नहीं है आगे वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 10 वोल्ट, तभी तो करंट बह रहा है। 10 वोल्ट ब्रेकडाउन होगा, 10 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज का ब्रेकडाउन होगा, तभी तो करंट बह सकता है, और बह तो रहा है, डायग्राम में दिया है। तो 10 वोल्ट का वोल्टेज जेनर डायोड के अक्रॉस है, उसके पैरेलल रेजिस्टर है, मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट ही है। टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट, उसमें से 10 वोल्ट इन दो ब्रांच में चला गया। ऐसे नहीं होता कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट पैरेलल में हो, पैरेलल में दोनों का 10 वोल्ट एक ही कंसीडर किया जाता है। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट, दोनों का वोल्टेज सेम है, तो बचा हुआ 14 वोल्ट जो होगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा, है ना। 24 में से जो है दोनों पैरेलल ब्रांच है, पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होता, पैरेलल मतलब दोनों का 10 वोल्ट है, दोनों का मिला के 10 वोल्ट है। तो जो है इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, और रिजल्टेंट भी 10 वोल्ट, ऐसे होता है पैरेलल में, तो बचा हुआ 14 वोल्ट ये खाएगा। तो यहां से करंट कितना होगा, आप ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ये जो करंट होगा वो होगा करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज यहां पे है सर 14 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, मतलब 1000। तो आप देख सकते हो 14 मिली एम्पियर का करंट जो है यहां से आ रहा है, 14 मिली एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है ना। अब ये करंट आगे आएगा, आप सोचो यहां पर करंट कितना है ना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, पैरेलल में है वो जिनर के, 10 वोल्ट का क्या बोलते हैं इसमें वोल्टेज है और रेजिस्टेंस 5 किलो ओम का है। तो ये जो करंट होगा वो होगा 10 वोल्ट वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 5000। तो आप देख सकते हो 2 मिली एम्पियर का ये करंट आ रहा है। तो इधर से 14 मिली एम्पियर आया था, इधर से कितना आया था 14 मिली एम्पियर, 14 इधर तो 2 पहुंचा, मतलब बचा हुआ 12 मिली एम्पियर यहां गया होगा, है ना। तो जिनर में से वोल्ट करंट आ चुका है 12 मिली एम्पियर, और जिनर का वोल्टेज है आपका 10 वोल्ट। तो वोल्टेज इनटू करंट मल्टीप्लाई करो, आपको पावर का आंसर आ जाएगा जिनर के अक्रॉस। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ध्यान से फॉलो करें, बहुत ही सस्ता है जिनर डायोड। फॉरवर्ड बायस में अगर जिनर डायोड को लगाएंगे तो नॉर्मल डायोड सभी हो करेगा, रिवर्स बायस में अगर जिनर डायोड को ऑपरेटिंग करते हैं उसको रिवर्स बायस में, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक कोई करंट नहीं आएगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद बहुत सारा करंट इसमें आ सकता है। नमस्कार बच्चों, चलो करते हैं फोटो डायोड पीएन जंक्शन का जो है एक और एप्लीकेशन। पीएन जंक्शन के अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे, जिनर डायोड पीएन जंक्शन का एक प्रकार था, पीएन जंक्शन का एक और प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो डायोड, है ना। बहुत ही काम का होता है ये फोटो डायोड, इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल सप्लाई इन रिवर्स बायस। फोटो डायोड अपने आप काम नहीं करता, एक फोटो डायोड आप लेके आ गए तो अपने आप काम नहीं करेगा, उसको बैटरी लगानी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे एक सोलर सेल जिसको कुछ बैटरी वैटरी नहीं, बाजार के बस लेके आ जाओ, सोलर सेल नाम का पीएन जंक्शन अपने आप को काम करता है, तो वो अलग है सोलर सेल। इसमें जो है फोटो डायोड में एक पीएन जंक्शन लगाया मैंने और एक यहाँ पे बैटरी लगाई है,
तो एक बैटरी जरूरी होती है सोलर सेल को, सॉरी क्या बोलते हैं आपको, फोटो डायोड को चलाने के लिए। बैटरी कैसे लगानी है सर? तो रिवर्स बायस में लगानी है, इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। रिवर्स बायस में बैटरी लगाओ पीएन जंक्शन को। कौन सा पीएन जंक्शन? जो स्पेशली डिजाइंड है एज अ फोटो डायोड। इसमें क्या होता है, इसमें आप ध्यान से देखो कि फोटो डायोड किस लिए इस्तेमाल होता है। फोटो डायोड इस्तेमाल होता है कि लाइट डिटेक्ट करने के लिए, किसी अगर कमरे में अंधेरे में जो है अगर बहुत हल्की सी लाइट आ रही है जो आंखें नहीं देख पाती, फिर भी उसको डिटेक्ट करना है किस तरह के रेडिएशन से वो डिटेक्ट करना है, तो फोटो डायोड लगा दो। फोटो डायोड में क्या होता है, जब भी कोई इंसिडेंट रेडिएशन, लाइट के जो रेडिएशन होते हैं वो डिप्लीशन रीजन में गिरते हैं। किसमें गिरते हैं? डिप्लीशन रीजन में। पीएन जंक्शन का डिप्लीशन रीजन जहां रेगिस्तान होता है, कोई चार्ज कैरियर्स वहां पे नहीं होते, चार्ज कैरियर्स नहीं होते मतलब न्यूट्रल एटम्स होते हैं वहां पे। तो जब ये इंसिडेंट फोटॉन्स जो है, ये जो फोटॉन्स है ये जो है कहां गिरेंगे? रेगिस्तान में गिरेंगे, डिप्लीशन रीजन में ये फोटॉन्स गिरेंगे। तो गिरते ही जो है ये एनर्जी सप्लाई करेंगे एटम्स को और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो पीछे क्या बच जाएगा? होल। तो फॉर एवरी इंसिडेंट फोटॉन विच इज बीन एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, देयर इज आल्सो होल रिलीज्ड। तो इलेक्ट्रॉन और होल साथ में निकलते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो तीन होल भी जो वहां पे जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो इंसिडेंट फोटॉन्स है इनकी जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। फॉरबिडन गैप वो एनर्जी है जिसके कारण वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी इससे ज्यादा है, किससे? फॉरबिडन गैप से, तो इंसिडेंट फोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, लीविंग अ होल बिहाइंड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और होल साथ में जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल साथ में जनरेट होते हैं। 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट हुए हैं तो 1 करोड़ नए होल्स भी वहां पर जनरेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पे ध्यान से देखो जनरेट हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल बन गया, है ना। अब रिवर्स बायस में लगाया है ना, तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल देखो, ये पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? लेफ्ट में होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेचुरली जो है इस साइड में, एन साइड में शिफ्ट हो जाएगा और होल पी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनती है डिप्लीशन रीजन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स टू द एन साइड एंड क्या बोलते हैं, होल ड्रिफ्ट्स टू द पी साइड, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो है फोटोडायोड की वर्किंग है और उसके अंदर करंट आता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाते हैं ये लोग, तो करंट आ जाता है और करंट आने के बाद सिग्नल हमें डिटेक्ट होता है। करंट बाहर मतलब हम समझ जाते हैं कि हाँ लाइट गिरी है, इस कमरे में लाइट है, इस कमरे में भूत है। तो इस तरह से जो है फोटोडायोड का इस्तेमाल करके लाइट अगर इन पे गिराते हैं तो सिग्नल ये देता है, अगर लाइट नहीं गिरेगी तो सिग्नल नहीं देगा। तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये फोटोडायोड का काम है। अब आप समझो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, करंट वर्सेस वोल्टेज। रिवर्स बायस में काम कर रहा है पीएन जंक्शन, कैसे काम कर रहा है रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस का ग्राफ हम लोग जानते हो, वैसे होता है नीचे ब्रेकडाउन जैसा। तो इस तरह से रिवर्स बायस का एक ग्राफ है। अब देखो तीन प्रकार की लाइट गिराई गई है, एक लाइट जिसकी इंटेंसिटी I1 थी, एक की I2 थी और एक की I3 थी। एक ही डायोड पे तीन प्रकार की लाइट गिराई गई, इंटेंसिटीज I1, I2 और I3, I3 बीइंग द हाईएस्ट इंटेंसिटी, है ना। I1 छोटी सी लाइट थी कम इंटेंसिटी वाली, I2 ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट थी और I3 बड़ी इंटेंसिटी वाली लाइट थी। तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उस डायोड में रिवर्स बायस में करंट भी ज्यादा। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो ग्रीन वाला करंट आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा है, है ना। करंट मतलब ये वाई एक्सिस पे सबसे ज्यादा डेप्थ ग्रीन वाले ग्राफ की है, करंट की बड़ी बड़ी वैल्यूज एज्यूम कर रहा है। दैट इज वाई I3 को मैं बोल सकता हूँ कि वो सबसे ज्यादा है, I2 थोड़ा कम है और I1 सबसे कम है। जितना इंटेंसिटी ज्यादा उतना करंट ज्यादा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना, सही है ना। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेटेड ज्यादा, उतना ही करंट वहां पर बहने वाला है। सिंपल सा ग्राफ है, याद रखें, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसमें करंट ज्यादा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है इसलिए I3 ग्राफ भी सबसे नीचे यहाँ पर बनाया गया है, सबसे ज्यादा करंट उसमें होगा। तो ये IV कैरेक्टरिस्टिक है आपका फोटो डायोड का, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई रिवर्स बायस, फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करने का क्या कारण है, ठीक है ना। NCERT के हिसाब से कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन रिवर्स बायस व्हाट हैपेंस, करंट इन द डायोड इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं और एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जो रिवर्स बायस का करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है। फॉरवर्ड बायस में तो मेजॉरिटी की वजह से आता है, रिवर्स बायस में जो करंट आता है, डुप्लीकेट करंट जो आता है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है ना। और हम यही चाहते हैं कि फोटोडायोड में जो है माइनॉरिटी कैरियर्स का कुछ विषय हो, हम ये चाहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स करंट बाय। क्यों हम ऐसा चाहते हैं? बिकॉज व्हाट हैपेंस इन फोटोडायोड, व्हेन फोटोन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर, फोटोन आता है लाइट का और इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करता है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर्स इज मोर, है ना। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक होल दोनों पेयर क्या बोलते हैं तैयार करोगे तो संख्या इलेक्ट्रॉन्स की भी बढ़ जाएगी और होल्स की भी बढ़ जाएगी, बट फ्रैक्शनल चेंज जो होता है, फ्रैक्शनल चेंज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ज्यादा होता है क्योंकि उनकी संख्या इनिशियली कम थी, है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज जो है माइनॉरिटी कैरियर्स में ज्यादा होता है
फोटोन की वजह से, और फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा होने के कारण माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा होने के कारण उनका करंट में वेरिएशन डिटेक्ट करना आसान होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट डिटेक्शन करना आसान होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी वाला करंट पिक्चर में आए, मतलब रिवर्स बायस में लगाओ, क्योंकि रिवर्स बायस में ही माइनॉरिटी वाला करंट पिक्चर में आता है। तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से रीजन है कि इसको जो है फोटो सेल को जो है फोटो डायोड को जो है क्यों जो है इस तरह से रिवर्स बायस में लगाते हैं। तो आ जाइए बच्चों, पीएन जंक्शन का एक और एप्लीकेशन देखते हैं, एलईडी जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी के बल्ब आपने देखे होंगे, तो एलईडी का जो है छोटे छोटे एलईडी आते हैं, बड़े बड़े एलईडी के बल्ब भी आते हैं। तो क्या होता है एलईडी? पीएन जंक्शन डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में जिसको ऑपरेट किया जाता है। तो हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। हैवीली डोप्ड होने का कारण क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमें चाहिए, इसलिए जो है हैवीली डोप्ड होता है। ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, इसको फॉरवर्ड बायस में जो है ऑपरेट किया जाता है। तो क्या होता है देखो ध्यान से, एक मैं यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इसको जब फॉरवर्ड में आप चलाओगे तो करंट इस तरह से बहेगा, है ना। फॉरवर्ड बायस में आप चलाओगे इसको तो करंट इस तरह से बहेगा। करंट जब बहेगा तो पी टाइप है ये और ये एन टाइप है। पी टाइप में जो होल्स है, पी टाइप में जो क्या है होल्स है, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स जो है आपके कहाँ जो है इस तरह से, अब देखो डिप्लीशन रीजन की तरफ पुश होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपके डिप्लीशन रीजन की तरफ पुश होंगे, है ना। तो उसका कारण मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि डिप्लीशन रीजन में जो है लेफ्ट साइड में आपके इधर पी है, इधर एन है, तो पी साइड से होल्स आएंगे डिप्लीशन रीजन में और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे में, है ना। होल्स आए और क्या बोलते हैं, पी साइड से होल्स आए, एन साइड से इलेक्ट्रॉन आए, डिप्लीशन रीजन में आ गए, ये फॉरवर्ड बायस में होता है ऐसे, और डिप्लीशन रीजन में आने के बाद डिफ्यूज हो गए। तो जब वो डिफ्यूज होते हैं तो एक फोटोन मतलब एनर्जी रिलीज करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं मतलब शांत हो जाते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है, क्या ये बेटा डिप्लीशन रीजन है, यहीं से जो है धनादन बाहर फोटोन बाहर निकलते हैं, है ना। इस बार फोटोन बाहर निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, डिप्लीशन रीजन से फोटोन बाहर निकल रहे हैं, और वो फोटोन अगर विजिबल हैं तो हम उसको एलईडी बोल देते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बोल देते हैं। हर पीएन जंक्शन डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाता है तो फोटोन निकलते हैं, फॉरवर्ड बायस में जो है डिप्लीशन रीजन से फोटोन निकलते हैं। कुछ फोटोन हमको दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, दिखते तो हम उसको एलईडी बोल देते हैं, नहीं दिखते तो हमें दिखता ही नहीं, तो कुछ बोलते नहीं हम लोग। बट हर फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में से जो है इस तरह से डिप्लीशन रीजन से फोटोन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर कंबाइंड रिकम्बाइन टू फॉर्म फोटॉन्स फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन मतलब डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन से जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन होने के कारण लाइट निकलती है बाहर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सेमीकंडक्टर्स विद एटलीस्ट एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी गैप होना चाहिए तभी तो जो है इतना एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा, और वही एनर्जी का मतलब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखने वाला फोटोन ही हम देख सकते हैं, विजिबल रेंज में आता है, इसलिए एनर्जी गैप इतना होना चाहिए। आर यूज्ड फॉर द विजिबल लाइट, ये डेटा याद रखना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम देयरफॉर नॉट यूज्ड, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम यूज नहीं कर सकते, 1.1 0.7 इस तरह का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है उनका, हमें तो इस रेंज में चाहिए उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो हम एलॉयज यूज करते हैं, एलॉयज सच एज गैलियम आर्सेनिक, ये जो एलॉय होते हैं इस तरह से एलॉयज जो है हम यूज करते हैं, जिनका एनर्जी गैप जो है इस रेंज में आता है। तो ये सब बातें आप डेटा फॉर्म में याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बेटा सोलर सेल के बारे में, ना सोलर सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी का रीडिंग लेंगे हम लोग। सोलर सेल में क्या होता है ध्यान से देखो, सोलर सेल में इस तरह से एक आपका बिस्किट जैसा कुछ होता है ना, पीएन जंक्शन होता है। कहाँ है सर पीएन जंक्शन, दिख ही नहीं रहा हमको, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पी साइड है और ये ऊपर एन साइड है, पी और एन वड़ा पाव की तरह एक दूसरे के ऊपर रखा है ना, पीएन जंक्शन टाइप से ये। तो इसमें क्या है, पीएन जंक्शन का जो वर्किंग है इसमें वो फोटो सेल जैसा है, फोटो सेल में जो था वैसे ही है, बस यहाँ पे रिवर्स बायस में नहीं लगाते इसको, क्योंकि यहाँ पे बायसिंग ही नहीं होता, यहाँ पे बैटरी नहीं होता है ना। तो आप देख सकते हो सोलर सेल इज बेसिकली पीएन जंक्शन होता है ये, विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन द सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द इट। जब भी इस पे लाइट गिरती है तो ये क्या तैयार करता है, लाइट तैयार, क्या बोलते हैं, जब भी इस पे लाइट गिरती है तो एनर्जी तैयार करता है, करंट तैयार करता है। कहाँ इस्तेमाल होता है सर ये, अरे हमारे घर में पानी गर्म करने के लिए छत पे जो लगाते हैं ना पैनल, सोलर पैनल, वही तो है ये, है ना। सोलर पैनल में क्या गिरता है, सनलाइट गिरती है और वो करंट बना सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, पानी भी गर्म कर सकता है, तो वही है। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट्स एज द फोटो डायोड एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायसेस अप्लाइड एट द जंक्शन एरिया, है ना। कोई भी एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे हमारे छत पे जो हम लोग पानी गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पैनल लगाते हैं, उसको अलग से बैटरी थोड़ी लगाते हैं, वही बैटरी है, ठीक है ना, वहीं से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल बायस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है बहुत बड़ा उसका क्या होना चाहिए, लार्जर फॉर अ सरफेस एरिया जो है उसका बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि बहुत सारी लाइट हम, बहुत सारी सनलाइट हम कलेक्ट कर सकें यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज जो है हम लोग मोर पावर में इंटरेस्टेड है, इसलिए एरिया भी जो है बड़ा होता है। तो आप इसको पढ़ो,
सिंपल पीएन जंक्शन सोलर सेल इज नोन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो है फिगर में दिखा गया है, नीचे की तरफ इस बिस्किट के नीचे की तरफ एक चीज है जिसको बोलते हैं बैक कॉन्टैक्ट, और ऊपर जो है कॉम जैसा कुछ रखा है, कंगी जैसा कुछ रखा है, इसको क्या बोलते हैं टॉप सरफेस है, मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स इसको बोला जाता है, ठीक है। और मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड्स जो है कॉम जैसे क्यों रखे, पूरा लेयर क्यों नहीं लगाया, नीचे तो बैक कॉन्टैक्ट का पूरा लेयर लगाया, ऊपर जो है क्या बोलते हैं और ये कंगी जैसा क्यों लगाया, ऊपर का जो सरफेस है कंगी जैसा नहीं लगाएंगे तो लाइट किस पे गिरेगी, है ना। अगर पूरा ये कवर कर देंगे ऊपर वाला तो लाइट गिरेगी किस पे, लाइट गिरने के लिए कुछ जगह हो इसीलिए कंगी जैसा लगाया ताकि कंगी के बीच में लाइट गिर सके, तो ये मेटलाइज्ड इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कहाँ पे गया, हाँ, दिस एक्ट्स एज अ फ्रंट कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये जो फिंगराइज इलेक्ट्रोड होते हैं वो फ्रंट कॉन्टैक्ट जैसे ऐड करते हैं, और ये लेस देन 50% एरिया जो है ऑक्यूपाई करते हैं ताकि 85% एरिया जो बचा हुआ है उस पर लाइट गिर सके। द जनरेशन ऑफ द ईएमएफ बाय सोलर सेल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री बेसिक प्रोसेसेस। तो इसमें तीन प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है, बहुत टाइम पास प्रोसेस है, ध्यान से देखो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, है ना, देयर सेग्रीगेशन, इस तरह से जो है टाइम पास में वर्किंग बताई गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, कशामुळे क्यों होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा यहाँ पर, है ना, फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर के अंदर जो फील्ड होती है उसके कारण जो जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है इसमें, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इसमें, बेटा इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ जाएगा जनरेट होने के बाद, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर तैयार हो गया तो बैरियर फील्ड की दिशा क्या है, एनसीपी, है ना, ये बैरियर फील्ड होती है इसके अंदर, बाहर से तो कोई फील्ड है नहीं, बैरियर फील्ड है। इलेक्ट्रॉन तैयार हो गया तो एन साइड में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गोज टू एन साइड, और जो होल है आपका फील्ड की दिशा में मतलब पी साइड में चला जाएगा, इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होता है, ओके, बैरियर फील्ड के कारण हो रहा है जो भी हो रहा है, ये आप बात याद रखें। तो पहला स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, दूसरा था सेपरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया एन साइड, प्रोटॉन नहीं होल चला गया पी साइड। उसके बाद थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द कलेक्शन ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे बेटा, अब ध्यान से देखो डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे, एन साइड में गए थे, है ना, ऊपर गए थे, तो उनको कौन कलेक्ट करेगा, मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रॉन उनको कलेक्ट करेगा। नीचे कौन गए, होल्स गए, उनको बैक कॉन्टैक्ट जो है कलेक्ट यहाँ पर करने वाला है, तो कलेक्शन आपका तीसरा प्रोसेस यहाँ पर होता है। और टाइम पास बात है, इसमें ध्यान से देखो, एक ग्राफ है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ऐसा इकलौता ग्राफ है आपके सिलेबस में जो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि ग्राफ जनरली किसका बनता है, आउटपुट वर्सेस इनपुट का। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि इसका वोल्टेज जो है वो भी आपका आउटपुट है और करंट भी, वो भी आउटपुट है, तो दोनों आउटपुट है, दोनों आउटपुट, इनपुट वर्सेस आउटपुट ग्राफ नहीं है, आउटपुट ग्राफ है, सब फायदा ही फायदा है इसमें, सोलर सेल का जो है फायदा है, दोनों आउटपुट है, करंट भी आउटपुट है, वोल्टेज भी आउटपुट है, इसका समान करने के लिए हमने जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में इस ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ याद रखें, है ना, यहाँ पर जो है वीओसी क्या लिखा है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट में करंट बहता है क्या, ओपन सर्किट में करंट बहता है क्या बेटा, नहीं बहता। तो यहाँ पर आप देखो, ये इस तरह का वोल्टेज है, मतलब ये पॉइंट वी एक्सिस पे है, मतलब आई जीरो है, जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है तो वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है तो एक्स जीरो होता है, उस तरह से यहाँ पर जो है पॉइंट है वी एक्सिस पे, मतलब आई जीरो है, आई जीरो मतलब ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट का वोल्टेज कहलाएगा ये। नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है, ये पॉइंट आई एक्सिस पे मतलब वी जीरो, है ना, वी जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट करंट ये कहलाता है। तो ये सब थ्योरी है, आप याद रखें एज इट इज, इस ग्राफ को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। और एक चीज है कि क्या बोलते हैं, किस तरह के एनर्जी गैप्स आप पसंद करना चाहेंगे, तो यहाँ पर एक रेंज भी दिया होगा, सेमीकंडक्टर्स विथ एनर्जी बैंड गैप क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर आइडियल मटेरियल्स फॉर द सोलर सेल। सोलर सेल अगर बनाना है तो ऐसे सेमीकंडक्टर लेने चाहिए जिनका बैंड गैप कितना हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हैं, ये नाम पढ़ लो आप, सिलिकॉन दिया है, गैलियम आर्सेनिक दिया है, CdT दिया है। तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन आर, बैंड गैप कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, 1 से लेके 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्टिविटी, ऐसा सेमीकंडक्टर होना चाहिए अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्शन, लाइट तो बना दी नीचे तक, नीचे घर में पहुँचानी है तो कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, है ना, सेमीकंडक्टर जो है अवेलेबल भी होना चाहिए ऐसा मटेरियल, और कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है। हमेशा जो है सनलाइट की जरूरत नहीं है, नोट दैट सनलाइट इज ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड, सनलाइट की जगह दूसरी कोई लाइट लगा सकते हो तो लगा, उससे भी आप लाइट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब थ्योरी है, आप देख लेना। और कुछ है इसमें, यहाँ पर कुछ तो दिया है, ये सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड क्यों प्रेफर किए जाते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। तो हमारे सन से जो है पृथ्वी के ऊपर जो भी रेडिएशन आते हैं,
मैक्सिमम ऑफ द रेडिएशन की एनर्जी होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे सन से जो है, सन से जो पृथ्वी पे हमारी अगर 10,000 फोटॉन्स आते हैं, 10,000 में से आधे से ज्यादा मतलब 50% ज्यादा पॉपुलेशन की एनर्जी कितनी होती है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो वही एनर्जी के अब्सॉर्ब करने वाले आपके सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक होते हैं, इसीलिए जो है इनको प्रेफर किया जाता है इस तरह के सोलर सेल बनाने के लिए। ठीक है, नमस्कार बच्चों, चलिए चालू करते हैं ट्रांजिस्टर अपना। ट्रांजिस्टर जो है बहुत अल्टीमेट डिवाइस है, जिसके कारण जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब करंट को जो है पीएन जंक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ट्रांजिस्टर के लिए आप याद रखो, ट्रांजिस्टर एक तीन टर्मिनल डिवाइस है ना, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, तीन डंडे होते हैं, दिखने में इस तरह होता है, पीले कलर का ये डायग्राम जो बना रखा है, कलर का ट्रांजिस्टर पीले कलर का नहीं होता, ये डायग्राम जो है आप देखो पीले कलर का, ऐसा कुछ ट्रांजिस्टर होता है ना, ऐसा कुछ ट्रांजिस्टर आपका होता है। इसमें तीन डंडे होते हैं, ईबीसी मतलब क्या है सर, ईबीसी मतलब एमिटर बेस कलेक्टर। तीन डंडे होते हैं, तीन जंक्शन होते हैं, तीन टर्मिनल्स होते हैं इसके, एमिटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल, है ना। तो थ्री टर्मिनल डिवाइस है, यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है। इट लिटरली स्टैंड्स फॉर ट्रांस मतलब ट्रांसफर एंड रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, है ना। मैं आखिर में बताऊंगा इसके सेक्शन के कि ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर कैसे हुआ, उसके लिए जो है हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एमिटर बेस कनेक्शन इज जनरली फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर इज जनरली रिवर्स बायस। तो ध्यान समझो, ये दिखने में कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है ये आपका ट्रांजिस्टर। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ तीन प्रकार के जो है कंपोनेंट्स आने वाले हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। सर एमिटर बेस कलेक्टर कुछ नया है क्या, कुछ नया नहीं है, एनपीएन ट्रांजिस्टर अपना ये होता है ना, पीएन जंक्शन जो होता है कुछ उसी तरह का है, पीएन जंक्शन या कोई भी डायोड जो होता है, डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप, यहाँ पे ट्रायोड है ना, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल है, तो एक मान लो एन है, दूसरा पी है और फिर से जो है एन है, ये एनपीएन हो गया। ऐसे ही पीएनपी भी होता है, जैसे डायोड में दो सेमीकंडक्टर थे, इसमें तीन है, एनपीएन। एन मतलब क्या है सर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तीनों को मिक्स कर दिया, डायोड जैसे ट्रायोड बना दिया, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। इसके दो प्रकार है, एनपीएन और पीएनपी, आगे बताऊंगा आपको मैं। तो एमिटर बेस जो होता है जनरली फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आप समझते हो, है ना। एमिटर और बेस का जो जंक्शन होता है वो क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस में होता है, और बेस कलेक्टर जो होता है रिवर्स बायस में होता है, ये आप याद रखो। ट्रांजिस्टर जो है कैसे बनता है, तो ट्रांजिस्टर में तीन पिन होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर, जैसे ये जो है एमिटर सेक्शन है, ये बेस सेक्शन है और ये कलेक्टर सेक्शन है। सर इतने में खत्म हो गया क्या, नहीं, ये तीन कंपोनेंट और दो कंपोनेंट, दो बायस होते हैं, बायस मतलब बैटरी, दो प्रकार की बैटरी है, क्योंकि जो है एमिटर बेस को कैसे कराना है, फॉरवर्ड बायस में लगाना है, तो एक बैटरी लगा दो एमिटर बेस के बीच में, और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में लगाना है, तो एक बैटरी वहां पर हम लोग लगा देंगे। तो इस तरह से तीन टर्मिनल्स ईबीसी वाले और दो बैटरीज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब मिलके पांच कंपोनेंट होते हैं, एंड दैट कंप्लीट्स योर ट्रांजिस्टर। बड़ी से डायग्राम है, ध्यान से देखना, अभी बताऊंगा। तो एमिटर बेस कलेक्टर तीन सेक्शन है और दो बैटरीज है, दैट कंस्टिट्यूट्स योर ट्रांजिस्टर। एमिटर क्या होता है सर, नाम ही है, एमिटर मतलब चार्ज कैरियर्स को एमिट करने वाला एमिटर होता है। ठीक है, बेस मतलब क्या, बेस में जो है कुछ स्टोरेज होता है, कुछ मतलब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर का नाम ही है, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। तो एमिटर से जो है चार्ज कैरियर निकलेंगे, बेस के माध्यम से कलेक्टर में घुसेंगे, दैट इज व्हाट गोइंग टू लीड द करंट इन द ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर का मोटा मोटा आइडिया है, सब क्लियर होगा डायग्राम से, ये बस इंट्रोडक्शन था कि ताकि जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया है नामों का, एमिटर क्या है, बेस क्या है, कलेक्टर क्या है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं बीजेटी। बीजेटी मतलब क्या सर, बीजेपी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, नहीं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। उसके दो प्रकार होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन में जो है दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप लगा देते हैं, और ये ज्यादा यूज होता है, मोर वाइडली यूज्ड, और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, बीच में हमेशा कौन होता है, बेस होता है ना। एनपीएन में बीच में कौन है, ये है, तो ये बेस बन जाएगा। पीएनपी में बीच में कौन है, तो ये बेस बन जाएगा, ऐसे याद रखो। लेफ्ट में ये जनरली एमिटर होता है, ये बेस और ये कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। एमिटर हमेशा एन टाइप होता है क्या, ऐसे नहीं, एनपीएन में एमिटर एन टाइप है, कलेक्टर एन टाइप है, और बीच वाला बेस जो है वो पी टाइप है। पीएनपी में आपका एमिटर पी टाइप है और कलेक्टर भी पी टाइप है, बीच वाला जो बेस है वो एन टाइप है। तो इस तरह के पीएनपी और एनपीएन दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, और मोर वाइडली कौन सा है, एनपीएन है। क्यों ऐसा, क्योंकि एनपीएन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और पीएनपी में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है। और आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन को मूव करना आसान है, इसलिए एनपीएन आर मोर वाइडली यूज्ड। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग समझते हैं। अब हम जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर को पहले पढ़ेंगे।
पीएनपी आप खुद समझ जाना एनपीएन की वर्किंग से ही, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो प्रकार से हम बैटरी जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या है सर? दूसरे का नाम है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वो अलग ही सीन है अभी, था अभी के लिए जो है हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में लेफ्ट साइड आपकी जो है, जिसको हम क्या बोलने वाले, एमिटर बोलने वाले हैं, वो एन टाइप है। ध्यान से देखो, ये एमिटर जो है आपका एन टाइप है, कलेक्टर जो है आपका क्या बोलते हैं एन टाइप ही है, और बीच वाला जो बेस है वो क्या है आपका पी टाइप है, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका मेजोरिटी चार्ज कैरी करने वाले हैं। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का आपका ये डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एन साइड में जो है भर भर के मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, बी मतलब बेस जो है वो पी टाइप का है, तो उसमें तीन चार होल दिखाए हैं, और कलेक्टर जो है उसमें भी भर भर के मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। तो कौन सा सेमीकंडक्टर कैसा है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जनरली डायग्राम ऐसा होता है, डायग्राम देखो यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एमिटर जो है मॉडरेट साइज का है, बेस बहुत छोटा है, और कलेक्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना। तो साइज वाइज आप याद रखो, एमिटर इज मीडियम साइज, बेस इज स्मॉल साइज, और कलेक्टर इज ह्यूज साइज। इसके कारण भी आगे स्पष्ट होंगे। अब ध्यान सुनो, एमिटर हैवीली डोप्ड होता है, क्योंकि एमिटर को चार्ज कैरियर्स को एमिट करना है, तो उसके पास होने भी तो चाहिए चार्ज कैरियर्स। दैट इज वाई एमिटर इज हैवीली डोप्ड, कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, और बेस क्या है लाइटली डोप्ड होता है। तो बेस भिखारी है, बेस क्या है भिखारी है। बेस की डोपिंग भी लाइट है और बेस की साइज भी लाइट है, कुछ नहीं उसके पास बेस के पास, ठीक है ना। ये बेस है ही क्यों वो भी आगे आपको बताएंगे। तो ये सब जो है हल्का हल्का एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में आप समझो, है ना। तो एनपीएन और एमिटर बेस कलेक्टर, ये एमिटर है, ये बेस है, कलेक्टर है। क्या होने वाला है ध्यान सुनो, एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बेस के माध्यम से करंट में घुसेंगे, और इस तरह से जो है सर्किट में करंट बहने वाला है। तो वर्किंग अभी आप समझते हैं, वर्किंग ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्किंग होने वाला है। तो वर्किंग में आप ध्यान से देखो, हमने जो है क्या बोला था आपको, एमिटर बेस कनेक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर बेस जो है फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। तो एमिटर बेस अगर फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, मतलब इस एन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस एन को जो है निगेटिव से जोड़ा है, और क्या बोलते हैं ये जो आपका बीच वाला पी है उसको बराबर मैंने पॉजिटिव से जोड़ा है। तो ये जो बैटरी है जिसका लेफ्ट वाला निगेटिव एंड जो है एमिटर से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव एंड बेस से जुड़ा हुआ है, तो इस बैटरी का नाम रख दिया वीईबी। ईबी क्यों रखा? एमिटर बेस को जोड़ी हुई बैटरी, इसलिए ईबी। किसको जोड़ा इस बैटरी ने, बोलो बोलो? एमिटर बेस को जोड़ा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ईबी, है ना। निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप, दैट इज व्हाई इट इज इन फॉरवर्ड बायस। किसमें? ये फॉरवर्ड बायस में है। एक और बैटरी है सर, वीसीबी। वीसीबी का नाम समझ जाओ, कलेक्टर बेस बैटरी। एक एंड इसका कलेक्टर से जुड़ा होगा और दूसरा एंड इसका बेस से जुड़ा होगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसे होता है? बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। दैट इज वाई पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बराबर एन टाइप को जोड़ा है ना। और ये बैटरी जो होती है स्ट्रांग होती है, याद रखना, बेस कलेक्टर बैटरी स्ट्रांग होती है और एमिटर बेस बैटरी जरा वीक होती है ना, इसलिए बड़ा बनाया मैंने इसको, ध्यान से देखो। तो ऐसा एक फॉरवर्ड बायस है, एक रिवर्स बायस है। तो पांच कंपोनेंट हो गए क्या? बिल्कुल हो गए। एमिटर बेस कलेक्टर, दो बैटरीज, दिस इज योर ट्रांजिस्टर, दिस कंप्लीट थिंग इज योर ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को उठा के अभी इनपुट आउटपुट सप्लाई में लगाएंगे, फिर ये जाके आगे काम करेगा, लेकिन अभी के लिए ट्रांजिस्टर तो ये होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर है, वर्किंग ध्यान समझते हैं। जैसे हम लोग इसको जो है किसमें लगाएंगे बेटा, इसको जो है हम लोग बेटा इसमें लगाएंगे रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में लगाए इसको। पहली जो है एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है आपको, ये टर्मिनल निगेटिव है, तो यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ये निगेटिव टर्मिनल जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पुश करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है बेस की साइड में जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बेस के साइड में जाने की कोशिश यहाँ पर करने वाला है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बेस में घुस जाएंगे, बेस में कौन है? बेस तो पी टाइप है आपका, बेस में होल्स है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है होल के साथ क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ विषय कर देंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे। डिफ्यूज डिफ्यूज, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, डिफ्यूज हो रहे होल्स के साथ, तो कुछ लॉस यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज हो जाते हैं। बट जो होल्स है उनकी संख्या कम है। क्यों? क्यों संख्या कम है? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो आपका बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, तो उसमें होल्स की संख्या बहुत कम है। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोलते हैं होल के साथ क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे। बहुत सारे मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बेस का साइज भी स्मॉल है, तो फटाफट आगे बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है ना, कंबाइन होने के लिए होल्स बहुत कम है, तो मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो फॉरवर्ड टू द
कलेक्टर, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। अब कलेक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, ये जो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज नहीं हुए वो आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए, कलेक्टर में पहुंच गए। देखो ध्यान से, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज नहीं हुए थे वो आगे बढ़ के कहां पे पहुंच गए, कलेक्टर में पहुंच गए। कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, कलेक्टर में। कलेक्टर में सर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, कलेक्टर भी एन टाइप है, कोई बात नहीं बेटा, इधर इलेक्ट्रॉन की गर्दी होने दो क्योंकि कलेक्टर का साइज बहुत बड़ा है, हमने बोला था कलेक्टर इज ह्यूज साइज, क्योंकि कलेक्टर में खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी है और एमिटर से भी आने वाले हैं, तो इन सबको जगह देने के लिए साइज उसका पहले से हमने बढ़ा रखा है। एट द सेम वे ये जो है रिवर्स बायस में आपका ये वाली सेकंड बैटरी जो है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा कि रिपेल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल है भाई, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो चुके हैं, उनको ये क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में पहले इकट्ठा होंगे और कलेक्टर से जो है फिर बैटरी में इस तरह से अंदर आ जाएंगे, एंड दैट इज हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर हियर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन जहां जाते हैं उसके विरुद्ध करंट बहता है, उसके अपोजिट दिशा में करंट बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, मतलब कलेक्टर जो है क्या बोलते हैं, एमिटर का करंट यहां पर होगा आई, नीचे की तरफ करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है तो करंट यहां पर लेफ्ट में होगा, मतलब नीचे होगा इसे, तो एमिटर करंट जो है एमिटर के साइड से जो करंट आता है उसको आई बोलते हैं, वो यहां पर इस तरह से मैंने दिखाया है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नीचे उतर रहे हैं, मतलब करंट ऊपर जा रहा होगा, इसको बोलते हैं कलेक्टर करंट। क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टर करंट इसको बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है आपके मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन एमिटर से बाहर निकल के बेस में चले गए, कुछ डिफ्यूज हो गए, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है नीचे भी उतर जाते हैं ऐसे, कहां सर, ये बेस की साइड से, यहां पर भी एक टर्मिनल है ना, यहां से नीचे उतर जाते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हैं तो करंट जाएगा ऊपर, ये कहलाता है बेस का करंट, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत रेयर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे उतरते हैं, करंट ऊपर जाता है, तो बहुत रेयर होता ही है ना। अब डायग्राम में आप देखो तो आप लिख सकते हो IE, ये जो करंट IE आ रहा है वो IB और IC में स्प्लिट हो रहे हैं, तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये आपको याद रखना है, ये हर प्रकार के जो है ट्रांजिस्टर में वैलिड है, चाहे NPN हो, चाहे PNP हो, चाहे कॉमन बेस हो, चाहे कॉमन एमिटर हो, है ना। एमिटर करंट बाप होता है, बाप के दो बच्चे होते हैं, बेस करंट और कलेक्टर करंट, बाप के बच्चे BC, ठीक है। तो IE जो है एमिटर करंट इज बेसिकली इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और क्या चीज़ है इसमें, कुछ कुछ बातें हमें याद रखनी है कि जो ये बेस करंट होता है ना बहुत छोटा होता है, मैंने आपको बोला बहुत कम इलेक्ट्रॉन नीचे उतरते हैं, तो बेस करंट बहुत छोटा, मतलब कितना होता है, इज नियरली 5% ऑफ द बाप, बाप कौन है, एमिटर, एमिटर करंट का ओनली 5% होता है, और कलेक्टर करंट बचा हुआ कितना होगा फिर 95% होगा, किसका, एमिटर करंट का। तो फॉर एग्जांपल एमिटर करंट अगर 100 एम्पियर है तो 5 एम्पियर बेस करंट होगा नियरली, और 95 एम्पियर कौन होगा, कलेक्टर आपका करंट होगा, ठीक है ना। तो दिस इज डेटा, यू नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा करंट इस सर्किट में बहने लग जाता है, ठीक है ना। सर ये सर्किट में करंट तो बह गया, ठीक है सर, क्या फायदा क्या हुआ इसका, क्यों है सब, क्या है, Why does exist? Why do we? छोड़ो, इतना डीप में नहीं जाना है। तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ध्यान सुनो क्यों एग्जिस्ट करता है बेटा, क्योंकि आप सोचो कि फॉरवर्ड बायस में करंट बहना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फॉरवर्ड बायस में तो किसी भी डायोड में करंट बहता है, बस रिवर्स बायस में करंट बहना ये बहुत बड़ी बात है। और हमने जो है रिवर्स बायस में किसको लगाया है, बेस कलेक्टर जंक्शन को लगाया, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में होते हुए भी कलेक्टर से तो अच्छा खासा करंट बह रहा है ना, 95% ऑफ द आई, मतलब लगभग वो एमिटर करंट जितना ही है, तो रिवर्स बायस होते हुए भी हमने उसमें सिग्निफिकेंट करंट बहाया, दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड इन दिस ट्रांजिस्टर सेक्शन। और रिवर्स बायस में आप जानते हो डायोड का रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बट ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायस होते हुए भी रेजिस्टेंस जितना नहीं है, तभी तो करंट इतना अच्छा बह रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव डन, ट्रांसफर्ड द रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द रिवर्स बायस को हमने चेंज करके स्मॉल रेजिस्टेंस बना दिया है ट्रांजिस्टर में, दैट इज व्हाई नेम ट्रांजिस्टर इज देयर, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखो, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो ये वर्किंग जो है आपको याद रखना है NPN ट्रांजिस्टर का, ऐसे ही PNP ट्रांजिस्टर भी होता है, कौन सा होता है, ऐसे ही PNP ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अभी जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, के बाद हम पढ़ेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉमन बेस में क्या है बेटा, बेस कॉमन है, एमिटर भी बेस को जोड़ा गया है और कलेक्टर भी बेस को जोड़ा गया है, इसलिए एक बैटरी का नाम है EB और एक बैटरी का नाम है CB, है ना। इस तरह से एमिटर भी बेस को जोड़ा है वाया वन बैटरी, और अनदर बैटरी के माध्यम से कलेक्टर भी बेस को जोड़ा है, कॉमन कौन है, बेस है, दैट इज व्हाई इट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एमिटर बेस को जोड़ा होगा और कलेक्टर भी एमिटर को ही जोड़ा होगा, दैट विल बी एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, दो बैटरी वहां पर भी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखो।
चलो बच्चों ट्रांजिस्टर में और कुछ चीजें हम देखते हैं। ट्रांजिस्टर में अभी हम न्यूमेरिकल पार्ट में एंट्री कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स ट्रांजिस्टर के लिए डिफाइन होते हैं, है ना। तो पहला फैक्टर है एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये जो है एमिटर करंट को रेशो लेता है आउटपुट करंट के साथ। आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर एक रेशो होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जिसका नाम है अल्फा। अल्फा का नाम क्या है? एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। जो रेशो होता है एमिटर करंट और कलेक्टर करंट का, ऊपर कलेक्टर करंट रहता है, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमिटर करंट, है ना। कलेक्टर साइड को जनरली आउटपुट माना जाता है और एमिटर साइड को जनरली इनपुट माना जाता है। तो इसको ही आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट इफिशियंसी की तरह इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज द एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। याद रखें अल्फा इज आई सी अपॉन आई, आई सी कलेक्टर करंट है, आई एमिटर करंट है। उसके बाद बेस करंट का एम्पलीफिकेशन हमें देखना है, तो आई सी अपॉन आई भी हो जाएगा ना। हर हमेशा जो है दोनों में आई सी इस्तेमाल हो रहा है, बींग द आउटपुट करंट, और यहाँ पर नीचे आई है तो नाम पड़ गया एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन, यहाँ नीचे आई भी है तो बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर नाम पड़ गया। तो बीटा भी अल्फा और बीटा रेशो है, दोनों में क्या रिलेशन है? अल्फा में रिलेशन है और बीटा में रिलेशन है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो रिलेशन आपको याद करना है डायरेक्ट, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अल्फा का नाम है एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, बीटा का नाम है बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब ध्यान से देखो किस तरह से जो है ट्रांजिस्टर मैंने बनाया है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, पांच कंपोनेंट होते हैं, एनपीएन एमिटर बेस कलेक्टर की जोड़ी, तीन लोग हो गए, और दो बैटरीज, इस तरह से ट्रांजिस्टर बनता है। तो ट्रांजिस्टर का करना क्या है, अब ट्रांजिस्टर को हम लगाएंगे रजिस्टर के साथ। यहाँ पे जो है इस तरह से एक रजिस्टर लगाएंगे, इस रजिस्टर का नाम होगा इनपुट रजिस्टर। क्या नाम होगा इसका? इनपुट रजिस्टर। इस साइड एमिटर के साइड जो होगा, एमिटर के साइड जो होगा दैट इज इनपुट रजिस्टर, और कलेक्टर के साइड जो होगा दैट विल बी योर आउटपुट रजिस्टर। आउटपुट रजिस्टर जो है कलेक्टर साइड के होता है, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज किसको बोला जाता है? इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बोला जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इनपुट वोल्टेज बोला जाएगा। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? करंट आई ही है और ये रेजिस्टेंस है, तो आई ई मल्टीप्लाइड बाय इस रजिस्टर को कभी कभी जो है क्या बोलते हैं, कलेक्टर साइड एमिटर साइड रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो आई ई आर ई, आर ई का मतलब एमिटर का रेजिस्टेंस नहीं है, एमिटर के साइड जो इनपुट है आपका उसका रेजिस्टेंस है आर ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगता है दैट इज आर ई, तो ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। उसी तरह से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सोचो आउटपुट वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस आउटपुट रजिस्टर। आउटपुट रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? करंट तो सर आई सी दिख रहा है मेरे को, और रजिस्टेंस है आर ओ पी, जिसको कभी कभी आर सी लिख दिया करते हैं हम लोग। आर सी मतलब कलेक्टर की साइड जो लगा है वो रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टेंस। तो ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। तो दो बातें याद रखें, इनपुट साइड मतलब एमिटर की तरफ और आउटपुट साइड मतलब कलेक्टर की तरफ, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है, आप इसको अच्छे से नोट करें। चलो बेटा सिंबल से हम चालू करते हैं ट्रांजिस्टर के। ट्रांजिस्टर का सिंबल आपको किताबों में देखने को मिलेगा, वो कुछ इस तरह से होता है, एक गोला होता है उसमें तीन टर्मिनल है, एमिटर बेस कलेक्टर, इस तरह से सिंबल आपने को देखने को मिलता है ना। बेस बीइंग कॉमन टू द बोथ ऑफ देम, तो बेस एमिटर और कलेक्टर, इस तरह से आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक गोला है, तीन डंडे हैं इसे। अब ध्यान से देखना आपको है, इसमें दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस कॉमन एमिटर, है ना। वो डायग्राम पूरी देख के समझ में आता है, सिंबल से इतना समझ नहीं आता। अब ध्यान से देखो कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है, मुझे कैसे समझ में आएगा? तो हमेशा देखना कि आपका जो एमिटर है, एमिटर कहाँ है, ये एमिटर है क्या, कि ये गोल एमिटर है, तो ये गोल वाला एमिटर है ना, इसको देखो ये एमिटर है। यहाँ पर जो लाल दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज योर एमिटर, दिस इज योर कलेक्टर एंड दिस इज योर बेस, ओके। तो लाल वाला जो एमिटर है, अगर एमिटर से करंट बाहर निकलता है, एमिटर से करंट क्या निकलता है, बाहर निकलता है ना, मतलब बाहर मतलब किसके तरफ, गोले के अंदर घुसता है निकल के, एमिटर से करंट निकल के गोले के अंदर अगर घुसता है, इस तरह का एरो आपने अगर आपने देखा कभी, है ना, चाहे इस तरह का हो या इस तरह का हो एरो, एमिटर से निकल के जो है गोले के अंदर करंट घुसता हुआ दिखा आपको, तो पक्का एमिटर जो है पी टाइप है, याद रखना पी, एमिटर पी टाइप है तो कलेक्टर भी पी टाइप है, और आपका बेस जो है एन टाइप हो जाएगा। आपको कैसे पता सर? एमिटर से करंट बाहर निकल रहा है मतलब एमिटर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, होल्स निकल रहे, क्योंकि एमिटर से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते तो करंट एमिटर के अंदर उल्टा घुसता है ना। यहाँ पे एमिटर से अच्छा खासा करंट जो है गोले के अंदर घुस रहा है, मतलब एमिटर होल छोड़ रहा है, मतलब वो पी टाइप है। तो ये पीएनपी का सिंबल यहाँ पर हो जाएगा। एनपीएन का क्या होगा सोचो, अगर यही एरो उल्टा होता है, यही एरो अगर उल्टा होता मतलब एमिटर में करंट जाता, मतलब एमिटर छोड़ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, मतलब एमिटर एन हो जाता, एमिटर एन तो ये भी एन, एनपीएन वो बन जाता है ना। ये तो अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो दिस इज सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एरो अगर उल्टा कर दो, डॉट की तरफ एरो कर दो, मतलब गोले से करंट निकल के एमिटर में घुस रहा है, तो
तो NPN हो जाएगा। तो सिंपल सा सिंबल है, कोई भी समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक सर्किट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है और जेई मेंस के लिए बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार रहना आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है, ध्यान से देखो, ये एरिया में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर हमें, ये एरिया में एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये एरिया में एक ट्रांजिस्टर लगा है। ट्रांजिस्टर के तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, कलेक्टर, एमिटर, बेस और दो बायसिंग, बायसिंग यहाँ पे लगी है, VBB और VCC। तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऐसे लगा है। अब ध्यान से देखना, इस ट्रांजिस्टर को क्या नाम दूं मैं, कैसा ट्रांजिस्टर है, ध्यान से देखो जरा। तो ध्यान से देखो, इसमें बेस कॉमन है, आप दिख रही है, कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर है, क्या लग रहा है आपको, ये दिखने में आपको लग रहा है कि सर बेस कनेक्शन, बेस पर नीला डंडा लगा है, नीला डंडा नहीं देखना है, नहीं देखना है हमें, क्या देखना है कि एमिटर और बेस के बीच में एक बायस लगा है VBB। एमिटर, ये एमिटर आपका, एमिटर और बेस के बीच में एक बायसिंग लगी है VBB, मतलब एमिटर बेस जोड़े गए हैं, और उसी एमिटर को जो है VCC से C को जोड़ा गया है। द एमिटर और बेस आर कनेक्टेड टू VBB एंड एमिटर एंड द कलेक्टर आर कनेक्टेड टू VCC। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस नहीं है ना, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ये, बिकॉज एमिटर बेस को इस बैटरी के माध्यम से जोड़ा गया है और एमिटर कलेक्टर को इस बैटरी से माध्यम से जो है जोड़ा गया है, इसीलिए जो एमिटर कॉमन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में NPN है कि PNP ट्रांजिस्टर है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपका एमिटर है, करंट उससे बाहर निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ये जो आपका एमिटर है, एमिटर कहाँ है सर, ये रहा एमिटर, एमिटर से करंट बाहर निकल रहा है बेटा, मतलब एमिटर पक्का पी टाइप है, एमिटर मुझे पता चला पक्का क्या है, पी टाइप है, एमिटर पी टाइप है तो कलेक्टर भी पी टाइप है, और क्या बोलते हैं, बेस विरुद्ध होता है उनके, तो एन टाइप हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो इस तरह से बड़े आराम से आप पता लगा सकते हो कि ये जो है आपका PNP ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है बेटा, PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो बेस करंट अगर इधर जा रहा है ना, एमिटर से करंट जो है ऐसे निकल रहा है, एमिटर में घुस रहा है, सॉरी, एमिटर करंट इधर है, IB और IC तुम्हारे इधर है इस तरह से, ठीक है। तो एमिटर से करंट आया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर चला गया, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फिर जो है यहाँ पर एमिटर के साइड में, सॉरी, एमिटर तो कॉमन नहीं है अभी, कॉमन एमिटर है, बेस के साइड में जो है आप देखो, जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, बेस के साइड में जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा उसको क्या बोलोगे, इनपुट बोलोगे अभी, है ना, बेस के साइड में जो होगा उसको इनपुट बोलोगे और कलेक्टर के साइड में जो होगा उसको आउटपुट बोलोगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर के साइड को आउटपुट बोला था, ये तो सही था, बट इनपुट को एमिटर साइड बोला था, है ना, एमिटर के साइड को इनपुट बोला था। यहाँ पर कॉमन एमिटर है इसलिए बेस खुला है, तो बेस के साइड में जो लगेगा वो तुम्हारा इनपुट होगा। तो बेस के साइड में एक इनपुट रजिस्टर है, आरबी को क्या बोलते हैं, इनपुट रजिस्टर बोलते हैं, इनपुट रजिस्टर जो है आरबी को बोला जाएगा, ठीक है। और आप देखो कि एक बैटरी भी लगी है जो बायस कर रही है बेसिकली ना, आप जो है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना चाहते हो और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस रखना चाहते हो, है ना, पोलैरिटी पे ध्यान मत देना, ये रियोस्टेट है, पोलैरिटी चेंज हो सकती है। तो अभी ध्यान से देखना, एमिटर बेस को जो बायस करती है उस बैटरी को VBB बोलते हैं, इस बैटरी को क्या बोलते हैं, VBB बोलते हैं, एमिटर बेस को जो बायस करती है VBB बैटरी बोलते हैं उसको, बेस के बेस से संबंध है इसलिए VBB लिखा, और जो एमिटर कलेक्टर को जोड़ती है उसको VCC बैटरी, बायसिंग बैटरी VCC बोलते हैं, तो ये बात याद रखो। और आपका जो इनपुट यूनिट है, इस साइड में इनपुट होता है बेस साइड में, इनपुट यूनिट किसको बोलना है, ये रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर और ये बायसिंग, इन दोनों को मिलके इनपुट यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पर भी जो है आउटपुट रजिस्टर और ये VCC बायसिंग बैटरी, इन दोनों को मिलके आउटपुट यूनिट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अब इनपुट वोल्टेज किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, इनपुट वोल्टेज में कन्फ्यूजन है, दो चीज़ों को इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, शब्द एक है लेकिन दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इनपुट वोल्टेज कभी कभी आप जो है इसको बोल सकते हो सिर्फ VBB को, VBB क्या है सर, बायसिंग वोल्टेज विच कनेक्ट्स एमिटर एंड बेस, उसको कभी कभी इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। कोई कोई क्वेश्चन में जो है इसको ना बोल के इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जो है इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी VBB माइनस IBRB। तो कभी कभी सिर्फ VBB को इनपुट वोल्टेज बोल दिया जाता है, कभी कभी VBB माइनस IBRB को इनपुट वोल्टेज बोल दिया जाता है। कारण मैं बता दूं आपको, IB वैसे भी बहुत छोटा है, IB की वैल्यू मैंने बोला था ना 0.5% होती है एमिटर के, तो IB वैसे बहुत छोटा है, IB को निगलेक्ट भी कर दिया IBRB को, तो भी VBB आ जाएगा इनपुट वोल्टेज में। तो इनपुट वोल्टेज कभी बोला कोई तो VBB भी हो सकता है और VBB माइनस IBRB भी हो सकता है, VBB IBB जो भी है सब डायग्राम में दिया होगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ अलग से याद नहीं रखना उसको। तो ये इनपुट वोल्टेज की कहानी है। आउटपुट वोल्टेज किसको बोलते हैं बेटा, आउटपुट वोल्टेज आपको बोला जाएगा क्या सर, VCC को आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं। जैसे यहां पर VBB को इनपुट वोल्टेज बोला था, यहां पे VCC को आउटपुट वोल्टेज नहीं बोलते, बिल्कुल समझो, इसको VCC को आउटपुट वोल्टेज नहीं बोलते, किसको बोलते हैं फिर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, RC के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना होगा, ICRC, उसको जो है आउटपुट वोल्टेज कभी कभी बोल दिया जाता है। तो ICRC रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा आउटपुट वाला, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ICRC, उसको कभी कभी जो है आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं, या तो पूरे के पूरे को VCC माइनस ICRC जैसे यहाँ पे था, उसको जो है आउटपुट वोल्टेज बोल दिया जाता है।
तो ये सब याद करने वाली बातें हैं, इधर अलग खेले उधर अलग खेले, आप याद रखो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज किसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो करंट्स को भी ध्यान रखें आप लोग, आई करंट है, आई बी करंट है, आई सी करंट है। आई बी करंट मतलब जो इनपुट साइड जा रहा है तो इनपुट करंट बोला जाएगा, और ये आउटपुट साइड जा रहा है तो आई सी को आउटपुट करंट बोला जाएगा। इनपुट रजिस्टर मतलब आर बी बेस के साइड वाला, और आर सी कलेक्टर साइड वाला आउटपुट वोल्टेज आपको, ये सब नाम यहाँ पर आपको याद रखने, ठीक है। नमस्कार बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के इस सीरीज को। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने जो देखा इनपुट आउटपुट वोल्टेज किसको बोलते हैं, है ना, वो सब चीज़ें हमने देखी, इनपुट करंट आउटपुट करंट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। अब जो है हम कुछ फैक्टर्स डिफाइन करेंगे जिनसे इस ट्रांजिस्टर का परफॉर्मेंस जो है आइडेंटिफाई होगा। तो करंट गेन नाम का एक यहाँ पर बीटा डिफाइन होता है, जैसे अल्फा और बीटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में दो डिफाइन होते थे, अल्फा एक था और बीटा था, यहाँ पे अल्फा डिफाइन नहीं होता, ओनली बीटा डिफाइन होता है। बीटा का नाम क्या था, बेस करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, वो कॉमन बेस में था, है ना। यहाँ पर बीटा का नाम वो सब नहीं है, बीटा का नाम क्लियर है यहाँ पे करंट गेन है, है ना। बीटा का नाम क्या है, करंट गेन, और ये भी कुछ वैसा ही है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट जैसा। आउटपुट मतलब कौन सी साइड है बेटा, अभी बताया, आउटपुट मतलब कौन सी साइड है तुम्हारी, कलेक्टर साइड है ना, और बेस साइड जो है इनपुट है। तो कलेक्टर अपॉन बेस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, करंट गेन मिल जाएगा। यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे करंट गेन के, आई सी अपॉन आई बी, इसको बोलते हैं डीसी करंट गेन, है ना, बीटा डीसी बोलते हैं इसको, डीसी करंट गेन। और अगर डायनामिक चीजें हैं ना, कोई ग्राफ ऑफ दिया है, कोई चेंजेस दिए हैं, तो चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आईपी, इसको बोलते हैं एसी करंट गेन, है ना, अल्टरनेटिंग करंट गेन। इस तरह से जो है आईसी अपॉन आईबी या तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, चेंज दिया है कि वैल्यू दी है। तो करंट गेन दो प्रकार के, बीटा डीसी और बीटा एसी, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम देखते हैं वोल्टेज गेन, है ना। वोल्टेज गेन क्या है, करंट गेन जो तुमने अभी अभी निकाला है बीटा मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब कलेक्टर साइड वाला और इनपुट रेजिस्टेंस मतलब तुम्हारा बेस साइड वाला, ठीक है ना। तो ये जो है आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो बीटा के साथ, आपके मिल जाएगा वोल्टेज गेन। पावर गेन क्या होता है, तो वोल्टेज गेन जो तुमने निकाला है उसमें एक और बीटा एक्स्ट्रा लगा दो, है ना। तो यहाँ पर बीटा आर ओपी अपॉन आर आई पी था, ओपी आई पी समझ रहे हो, आउटपुट इनपुट, तो यहाँ पर बीटा का स्क्वायर कर दो, एक और बीटा एक्स्ट्रा लगा दो, दैट इज योर पावर गेन, ठीक है। बीटा स्क्वायर आर ओपी अपॉन आर आई पी, ओपी मतलब आउटपुट मतलब कलेक्टर साइड, इनपुट साइड जो है आपका बेस साइड है, याद रखें ये सब बातें। अभी देखो पावर गेन जो है डेसिबल्स में कभी कभी डिफाइन होता है, जैसे साउंड की लाउडनेस हम डेसिबल में डिफाइन करते थे, उसी तरह से जो है एपी जो है मतलब क्या बोलते हैं पावर गेन डेसिबल में कैसे डिफाइन होगा, 10 log 10 एपी, है ना। इस तरह से मान लो एपी की वैल्यू जो है 100 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 log 100 विच कम्स आउट टू बी कितना, log 100 कितना होता है 2, तो 20 इस तरह से जो है आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। एपी जो है डेसिबल में कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखने वाले हैं, दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या सर, अरे ग्राफ देखना है, सिंपल सा ग्राफ। अब ध्यान से देखो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट मतलब कलेक्टर साइड की बेस साइड, सोचो इनपुट मतलब बेटा बेस साइड। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस जो है आपका, बेस और जो एमिटर है वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ यहाँ पे सिंपल बनने वाला है ना, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट करंट लेंगे, इनपुट करंट मतलब बेस करंट, और इनपुट वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज, है ना। इनपुट वोल्टेज मतलब डायग्राम देखो जरा स्लाइड पीछे जाके, इनपुट वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज जो क्या बोलते हैं इनपुट की साइड मतलब बेस की साइड जो लिया जाता है, दैट इज योर इनपुट वोल्टेज, है ना। वहाँ पे दो वोल्टेज थे बेटा, एक था VCE और एक पूरा इनपुट का पूरा था, है ना। उसको कैसे निकालते थे हम लोग, V इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, याद करो, V आपका जो है VBB, उसी को डायग्राम में कभी कभी VBE बोलते हैं हम लोग, माइनस IB RB, इस तरह से निकालते थे, है ना। इनपुट वोल्टेज की कहानी थी, तो बस रिवाइज करा रहा हूँ। इनपुट वोल्टेज तुम्हें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, और इनपुट का जो है करंट मतलब बेस करंट जो है तुम्हें वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। सिंपल सा जो है आपका, कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्राफ है, ये ट्रांजिस्टर का ग्राफ है, सिंपल सा ट्रांजिस्टर का ग्राफ है ये, बिल्कुल नहीं, फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। डायोड का कौन सा ग्राफ है, फॉरवर्ड बायस का, क्योंकि आपका जो है इनपुट साइड जो है बेस कलेक्टर बेस एमिटर साइड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, और कौन सा रिवर्स बायस में था, है ना, एमिटर और कलेक्टर जो साइड था वो रिवर्स बायस था। तो अभी तो फॉरवर्ड बायस का ये ग्राफ हमने देखा, फॉरवर्ड बायस में इस तरह से जो नी वोल्टेज आता था, याद है नी वोल्टेज घुटने के जैसा, फिर ग्राफ उठ जाता था। यहाँ पर जो ग्राफ दो क्यों बनाया सर आपने, जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ना तो आउटपुट को कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट वेरी नहीं करते, एट टाइम एक ही थिंग को हम चेंज करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम हम आउटपुट को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। आउटपुट जो है मैंने पहले रखा OP1, है ना, आउटपुट जो है मैंने एक पर्टिकुलर फिक्स किया और एक ग्रीन वाला ग्राफ मैंने बनाया, फिर मैंने आउटपुट बढ़ा दिया, आउटपुट का वोल्टेज मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाऊंगा
तो क्या होगा, आउटपुट का वोल्टेज बढ़ाने से आपका जो कलेक्टर है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तेजी से पुल होंगे और बेस करंट आपका घट जाएगा। दैट इज वाई देखो जब दूसरा वाला ग्राफ बनाया तब जो है क्या बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रखा था, वीओपी टू आउटपुट वोल्टेज क्या था, ज्यादा था। आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होने के कारण आपका जो कलेक्टर साइड है वहां पे ज्यादा पुल हुए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बेस से बेस की साइड से करंट कम उतरा नीचे, बेस करंट कम हो गया, इसीलिए जो है ग्राफ नीचे आता है। ठीक है, आप देख सकते हो ग्रीन वाले ग्राफ में बेस करंट की वैल्यू ज्यादा है और ब्लू वाले ग्राफ में जो है बेस करंट की वैल्यू कम है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ये ब्लू वाला ज्यादा है। ठीक है, तो ये ग्राफ को एज इट इज आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है ये ग्राफ को बनाने को नहीं पूछता, बस आपको ऑप्शन टिक करने होते, ये सब बातें याद रखो। अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट कौन सा है आपका कलेक्टर करंट, और क्या बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज कौन सा है ना कलेक्टर के साइड जो रजिस्टर होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लेते हैं हम लोग, या तो पूरा ही जो लेते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये कौन सा ग्राफ है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस का ग्राफ तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ये फर्स्ट में क्यों बनाया इसको, तो फर्स्ट में ही बनाया इसको, थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ किस तरह से आता था याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से आता था, और फिर एवलांच ब्रेकडाउन, जिनर ब्रेकडाउन, दो प्रकार के ब्रेकडाउन हमने देखे थे। तो इसी ग्राफ को जो है उल्टा कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर दो, आपको ये दिखेगा है ना, सैचुरेशन टाइप दिखेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ का नेचर जो है कि थोड़े टाइम तक जो है ये ग्राफ लीनियरली बिहेव कर रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो रही है, सैचुरेट हो रही है। आपका जो आईसी है, आईसी मतलब आउटपुट करंट जो है थोड़े टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है कि नहीं, तो लीनियरली वैरी करता थोड़ी देर तक, इस तरह का इसका नेचर है। सर बिल्कुल ये कौन सा कॉपी है बेटा, किसका कॉपी है, रिवर्स बायस में जो हमने देखा था क्या बोलते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक, उसको फर्स्ट क्वार्टर में बस प्लॉट किया है, तो इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज दिख रही होगी, फिर से दो ग्राफ बनाए हैं, जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इनपुट को क्या करेंगे, इनपुट करंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो एक बार इनपुट करंट कांस्टेंट तुमने कितना रखा, 10 माइक्रो एम्पियर, और एक बार बेस करंट कांस्टेंट रखा, मतलब इनपुट करंट कांस्टेंट रखा 20 माइक्रो एम्पियर है ना। और आप एक बार नोटिस करो, इनपुट करंट माइक्रो एम्पियर में मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है, और आउटपुट करंट मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन माइक्रो एम्पियर है ना। तो आउटपुट करंट बहुत ज्यादा होते हैं, इनपुट करंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। दैट इज वेयर वी यूज द ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है ना, जो आपका जो इनपुट साइड है, बेस साइड है, उसको हम माइक में लगा देते हैं, समझो माइक में, और जो आपका जो है आउटपुट साइड है, कलेक्टर करंट है, उसको हम लोग किसमें लगाते हैं, स्पीकर में लगाते हैं। तो माइक में आप बोलते हो छोटा सा करंट आता है, बट स्पीकर से निकलता है तो बहुत बड़ी वैल्यू होकर आता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है आपका कौन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं, सिलेबस में नहीं है, आप ध्यान रखो इनको। तो ये जो है आप देखो कि जिस तरह से जो है 10 माइक्रो एम्पियर करंट था पहले, फिर उसको मैंने बढ़ा के 20 माइक्रो एम्पियर करंट कर दिया। अब सोचो इनपुट करंट मैंने बढ़ा दिया है तो आपका जो है आउटपुट करंट भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इनपुट करंट बढ़ा दिया मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है बेस से मेरे खिसक रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेस से खिसक रहे हैं मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेस में घुस रहे है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेस में घुस रहे हैं मतलब क्या हो रहा है आपका, एमिटर ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, एमिटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कलेक्टर भी ज्यादा पहुंचेगा, इसलिए जो है कलेक्टर करंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो ये वेरिएशन आप याद रखो कि यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर जो है बेस करंट बढ़ाने के बाद कलेक्टर करंट बढ़ जाता है, बेस करंट बढ़ाने के बाद क्या हो जाता है, कलेक्टर करंट बढ़ जाता है, इसलिए इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। इधर क्या था, इधर जो है आउटपुट वोल्टेज जो है आपका वो बढ़ाने के बाद बेस करंट कम हो जाता है। तो ये दो चीजें आप याद रखें, ग्राफ में यही पूछ सकते हैं और कुछ पूछने लायक है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी जो है हम क्या करते हैं, तीन रीजन हैं ट्रांजिस्टर के, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन वगैरह, सैचुरेशन रीजन, उनके बारे में चर्चा करते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का ग्राफ दिखाता हूँ, याद करना है आपको, ध्यान से देखो ये ग्राफ है, इसमें बोला गया है ये क्या है सर, किस चीज का ग्राफ है ये ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या ट्रांसफर क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रांजिस्टर में, रजिस्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रांसफर इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर। तो ध्यान सुनना, ये जो ग्राफ में क्या है, आउटपुट वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पर आप देखो कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये जो वोल्टेज है आपका, मान लो 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट क्यों लिया सर आपने, अरे सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 वोल्ट है ना। तो 0.7 वोल्ट तक जो है कट ऑफ रीजन में आपका जो है कौन काम करता है, ये ट्रांजिस्टर काम करता है, क्योंकि 0.7 वोल्ट का बैरियर क्रॉस करने तक आपका डायोड वर्किंग ही नहीं करेगा, कुछ नहीं आएगा आंसर, सब 0-0, इसीलिए जो है कुछ नहीं आता, आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है जब इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट क्रॉस ना करे तो। ठीक है, तो ये आपका जो है कट ऑफ रीजन बोला जाएगा। उसके बाद जो है इस रीजन को क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन में आप एक चीज नोट करो कि आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर, लगभग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए लीनियर ग्राफ बन रहा है। और उसके बाद सैचुरेट होने के बाद जो है आपका आउटपुट वोल्टेज लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सब बातें आप याद रखें, इस तरह का ग्राफ दिखता है,
ग्राफ जब आता है तो हमें बस टिक करना होता है, इसमें कोई ज्यादा पीएचडी नहीं करने अपने को। कुछ डेटा मैं आपको यहां पर याद करा दूं। तो आप देखो इनपुट वोल्टेज जो है आपका 0.6 वोल्ट या 0.7 वोल्ट अभी जो हमने दिखा था, उससे अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो किस रीजन में चला जाता है, एक्टिव रीजन में, उसके पहले कट ऑफ रीजन में होता है ना। यहां से यहां तक 0.6 या 7 तक कट ऑफ रीजन, उससे बढ़ गया तो एक्टिव रीजन है ना। उसके बाद एक और डेटा आप याद रखो कहां पर गया, जब जो है आपका ऑलमोस्ट लिनियरली बिकम्स लेस देन अबाउट 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट तक है ना, 1 वोल्ट तक आपका लिनियर ग्राफ है, उसके बाद जो है सैचुरेशन रीजन आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये ग्राफ का सिंपल सिंपल डेटा है, आप याद करें, बाकी चीजें सब हमने कवर कर चुकी है। अब सारे PYQ करें इनके, जेई मेंस के, ठीक है, उसमें आपको यही फॉर्मूलाज का रिपीटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर खत्म करते हैं, सेमीकंडक्टर का वन शॉट खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।